नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक और फिल्म की, बेटा, जो कि 1992 की हिंदी भाषा की भारतीय फिल्म है। इसको डायरेक्ट किया गया था इंद्र कुमार द्वारा और इसको लिखा गया था नौशीर खताऊ द्वारा, और कमलेश पांडे ने भी इसमें थोड़ा बहुत हाथ जो है वो बटाया था इसको के लिखने में। इस फिल्म में जो हीरो की भूमिका में है या जो लीड रोल में है वो है अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित और अरुणा ईरानी। इन्होंने यहाँ पर मुख्य भूमिका निभाई है। अगर बात करें इसके पटकथा लिखने की, तो इस फिल्म की जो पटकथा है वो लिखी गई है ज्ञानदेव, अग्निहोत्री, राजीव कौल और प्रफुल्ल पारेख ने। ये तीन आदमियों ने इस फिल्म का जो स्क्रीन प्ले है, ये कह सकते हैं कि जो एक एक लाइन, डायलॉग बाय डायलॉग, जो भी एक एक कैरेक्टर ने, जो भी एक एक अभिनेता ने बोला है, वो सब कुछ इन्होंने पहले लिखा था। क्योंकि हर फिल्म से पहले ये लिखा जाता है कि किस सीन में कौन सा हीरो, कौन सा कैरेक्टर, कौन सा अभिनेता क्या बोलने वाला है, तो वो सब चीज़ें लिखी जाती हैं। शब्द, एक एक शब्द जो है वो लिखा जाता है, उसका डायलॉग्स लिखे जाते हैं। तो वो सब जो लिखा गया था वो ज्ञानदेव, अग्निहोत्री, राजीव कौल और प्रफुल्ल पारेख ने लिखा था। इस फिल्म की जो स्टोरी है वो लिखी थी के भाग्यराज ने, और इस फिल्म का जो निर्माण है, यानी कि इसमें जो पैसा लगाया था, वो लगाया था इंद्र कुमार और अशोक ठाकेरिया ने। जैसा कि हमने बात की है, इस फिल्म में जो स्टार्स हैं, जो मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, वो अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित हैं और अरुणा ईरानी भी हैं। लेकिन इन्हीं के साथ में दो और आप मान लीजिए अभिनेता हैं, जो कि इस फिल्म में लगभग पूरी तरीके से तो नहीं कह सकते, लेकिन मुख्य भूमिका में ही हैं। उनके बिना तो ये फिल्म नहीं बन सकती थी। लक्ष्मीकांत बर्दे और अनुपम खेर। अगर बात करें इस फिल्म के फोटोग्राफी की, यानी कि इसमें जो है कैमरा किसने चलाया है, तो वो है बाबा आजमी ने। और इस फिल्म का जो एडिशन है, यानी कि जो वीडियो बन गई, जो कैमरे से वीडियोस बनाई गई, जो कैमरे से रिकॉर्डिंग की गई, उस रिकॉर्डिंग को बाद में एडिट कर एक फिल्म का अवतार देना, वो सब जो काम किया है वो किया है हुसैन ए बुरमावाला ने। और इस फिल्म में जो म्यूज़िक है, यानी कि जो ताल बनाई गई हैं ढोलक की और हारमोनियम की और जितने भी और ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जितने भी उपकरण होते हैं, तो वो किया गया है आनंद मिलिंद द्वारा। आनंद मिलिंद नाम है उनका। और इस फिल्म की जो प्रोडक्शन कंपनी है, यानी कि किस कंपनी ने इसमें पैसा लगाया है, एक तो आदमी होता है जो कि इसमें पैसा लगाता है, साथ ही साथ एक कंपनी भी होती है, कुछ स्पॉन्सर्स करते हैं। मतलब एक आदमी तो मिलकर अकेला पैसा नहीं लगा सकता ना, तो कुछ अलग अलग जगहों पर जो है, क्योंकि एक कॉम्बिनेशन बनता है, जैसे आप कह सकते हैं कि एक तो मालिक होता है उसका, जो कि सारा पैसा लगाता है, अगर कुछ भी खर्चा होता है तो वो लगाता है, लेकिन कुछ जगहों पर जैसे कि ड्रेस का काम है या फिर गाड़ियों का काम है, उसमें मान लीजिए कोई कंपनी आ जाएगी जो कि पैसा लगाएगी। तो इस तरीके से मारुति इंटरनेशनल ने भी इसमें पैसा लगाया था। और इस फिल्म की जो रिलीज डेट थी वो थी 3 अप्रैल 1992। इस फिल्म का जो रनिंग टाइम था, यानी कि कितनी देर तक ये फिल्म चलेगी, कितनी देर की ये फिल्म थी, तो वो थी 172 मिनट। यानी कि अगर बात करें तो 3 घंटे से सिर्फ 8 मिनट कम, 2 घंटे 52 मिनट की ये फिल्म थी। काफ़ी बड़ी फिल्म थी, लेकिन पता ही नहीं चलता था ना, क्योंकि फिल्म इतनी मज़ेदार हुआ करती थी, फिल्मों में इतने गाने हुआ करते थे, सब कुछ इतना मज़ेदार था। अब की फिल्में शुरू होती हैं तो लगता है कि यार ये कब ख़त्म होंगी, लेकिन पहले की फिल्में शुरू होते ही ख़त्म हो जाया करती थी, पता ही नहीं चलता था। तो यही फ़र्क है दोनों में। इस फिल्म का एक रीमेक भी बना था 1987 में, जो कि तमिल मूवी है, एक एनगा चिन्ना रासा। अब देखिए, नाम तो मैं अगर सही ले रहा हूँ या नहीं ले रहा हूँ इस बात का तो मुझे नहीं पता है, लेकिन ये 1987 में बनी थी तमिल फिल्म में, तमिल लैंग्वेज में ये बनी थी, तमिल भाषा में ये बनी थी फिल्म। और इसका ऑफिशियल था, मतलब कि जो इसके प्रोड्यूसर्स थे, जो इसके राइटर्स थे, जो इसके लेखक थे, उन्होंने ही उसका जो बनाने की परमिशन थी, आज्ञा थी, वो दी थी तमिल प्रोड्यूसर्स को। और तमिल भाषा में ये फिल्म बनी थी, जिसका नाम रहा था
ये तमिल फिल्म की रीमेक थी, तमिल फिल्म जो बनी थी वो इसकी रीमेक नहीं थी। तो ये प्रथा चली आ रही है कि तमिल से कुछ जो फिल्में हैं वो उठाते हैं बॉलीवुड वाले और उसको बना डालते हैं अगर उनको अच्छी लगती है। और बात करें अगर बेटा की, तो इसने कितना जो है सक्सेस पाई थी बॉक्स ऑफिस पर, इसने कितना कलेक्शन किया था बॉक्स ऑफिस पर, इसने कितनी कमाई की थी अगर इसकी बात करें, तो ये सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बनी थी 1992 की। 1992 की ये सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। इस फिल्म ने 5 फिल्मफेयर अवार्ड्स जीते थे, 5 अवार्ड्स। करी कपूर यानी कि अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित ने जो है बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता था। अनिल कपूर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था माधुरी दीक्षित को। अनुराधा पौडवाल ने भी बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड यहाँ पर जीता था, क्योंकि उन्होंने इस फिल्म के गाने जो हैं वो गाए हैं, तो इसलिए उनको बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला था। और जिस गाने के लिए मिला था वो गाना था धक धक करने लगा। और सरोज खान ने फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट कोरियोग्राफी का अवार्ड जीता था, फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट कोरियोग्राफी यानी कि जो डांस स्टेप्स होते हैं, जो नाचने का तरीका होता है, उसके लिए जो अवार्ड मिला था वो सरोज खान ने जीता था। और बेस्ट प्लेबैक फीमेल सिंगर का मीनिंग है कि जो गाना गाया था, जो गायिका है उनका बेस्ट गायिका या सबसे अच्छी गायिका का जो अवार्ड है वो अनुराधा पौडवाल को मिला था। ऐसे ही जो ईरानी है उन्होंने इसमें इस फिल्म के से एक अवार्ड जीता था जिसको कहते हैं बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस, यानी कि सहायक भूमिका में जो अभिनेती अभिनेत्री रही थी उसका अवार्ड इन्होंने जीता था। बात करें इस फिल्म की कहानी की, तो राजू जो कि अनिल कपूर यहाँ पर निभा रहे हैं किरदार, राजू एक बेटा है बड़े से लैंडलॉर्ड का, या जिसको कहें जमींदार का बेटा है, बड़े जमींदार का बेटा है जिसका नाम है प्रेम। और प्रेम का यहाँ पर किरदार निभाया है आकाश खुराना ने। राजू की जो माँ है वो बचपन में ही मर जाती है जब उसका जन्म हुआ होता है, और राजू को बहुत इस चीज का दुख रहता है। जब राजू का 5वां जन्मदिन होता है, प्रेम ने वादा किया था कि 5वें जन्मदिन पर उसको एक नई माँ मिलेगी, यानी कि वो शादी करने वाला होता है, और वो ये उम्मीद करता है कि वो उसका ख्याल रखेगी, राजू का जो है वो ख्याल रखेगी। लेकिन लक्ष्मी जो कि नई माँ बनकर आती है राजू की, वो थोड़ी सी लालची हो जाती है और वो उसका ख्याल इतना नहीं रखती। वो सिर्फ और सिर्फ पैसे के पीछे, प्रॉपर्टी के पीछे भागती है जो कि उस राजू के बाप की होती है, यानी कि प्रेम की। अगर बात करें इस फिल्म की रेटिंग्स की, तो इस फिल्म की जो रेटिंग है वो 6.3 रही थी 10 में से, जो कि अब रेटिंग दी जाती है नए जमाने में, तो उस हिसाब से ये फिल्म काफ़ी नई फिल्मों के मुकाबले बहुत ही अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। यानी कि 10 में से 6.3 स्टार मिलना काफ़ी बड़ी बात होती है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस फिल्म को 5 में से 3.3 स्टार दिए थे, यानी कि 5 में से 3.3 अंक इसको प्राप्त हुए थे। अगर बात करें इसकी ऑडियंस रेटिंग की, या फिर जो अब जैसे क्योंकि ये ऑनलाइन का ज़माना है, तो ऑनलाइन में सबको रेटिंग दी जाती है, सब फिल्मों को जो है ये बताया जाता है कि ये मुझे कितनी अच्छी लगी, सब देखने वाले इसका रिव्यू करते हैं, सब बताते हैं कि मुझे कैसी फिल्म लगी। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो उनको दिए जाते हैं, इस फिल्म को दिए जाते हैं 4.4 स्टार्स 5 में से, यानी कि लगभग हर एक व्यक्ति ने 5 में से इसको 4.5
नंबर दिए हैं, 5 में से 4.5 नंबर देना काफ़ी बड़ी बात है इस फिल्म के लिए। लगभग सभी लोगों को ये पसंद आई है, इसका मतलब ये है। और बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में बहुत कुछ लिखा भी है। अगर बात करें एक दो रिव्यू पढ़ने की तो वो भी हम कर लेते हैं। एक ने लिखा है, लव्ड द कंटेंट एंड लव्ड द एक्टिंग ऑफ द ऑल द एक्टर्स अनिल कपूर एंड अरुणा ईरानी एंड बहुत सारी चीज़ें आगे लिखी हैं। तो इनका कहने का मतलब ये है कि हमें जो इसका अंदर का कंटेंट है, जो इसकी कहानी है, वो बहुत अच्छी लगी, और हमें जो एक्टिंग है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, एक्टर्स की अभिनय जो हमें बहुत अच्छा लगा, अभिनेताओं का, अनिल कपूर का और अरुणा ईरानी के लिए उन्होंने बहुत सारा प्यार लिखा है। साथ में उन्होंने आगे लिखा है, वेरी नाइस मूवी, लव द कंटेंट एंड लव द एक्टिंग ऑफ ऑल द एक्टर्स। सेम वही बातें उन्होंने दोबारा लिखी है, द म्यूजिक ऑफ धक धक करने लगा, इज कंपोज्ड बाय इलिया राजा इन तेलुगु, हाउ कैन द क्रेडिट गो टू आनंद मिलिंद। बस उनको ये थोड़ा सा यहाँ पर जिसको कहें नाराजगी है कि जो धक धक करने लगा का जो कंपोजिशन है, जो म्यूज़िक बनाया है, जो संगीत बनाया है, वो तेलुगु फिल्म के जो कंपोज़र हैं या तेलुगु फिल्म के जो संगीतकार हैं उन्होंने बनाया है, तो फिर आनंद मिलिंद को ये कैसे जाता है इसका वो क्रेडिट। कुछ लोगों की अलग अलग रिव्यूज़ होते हैं, तो उनमें से ये एक था। अगला पढ़ते हैं, तो अगले फिल्म अगले यूज़र ने लिखा है, वेरी नाइस मूवी, लव्ड द कंटेंट, सेम वही बातें, लव्ड द एक्टिंग ऑफ ऑल एक्टर्स अनिल कपूर एंड अरुणा ईरानी, यू आर टू गुड। एंड उन्होंने लिखा है कि बहुत अच्छी पिक्चर है, बहुत अच्छी फिल्म है, हमें इसका जो कहानी है वो पसंद आई, और सभी जो एक्टर्स की एक्टिंग है वो काफ़ी अच्छी है। तो ये सब यहाँ पर आपको मतलब बहुत सारे मैंने रिव्यूज़ आपको बताए हैं कि क्या क्या इसमें लोगों ने अपने रिव्यू लिखे हैं, वो सब मैंने आपको यहाँ पर बताया है। एक और रिव्यू पढ़ लेते हैं हम, बेटा इज ट्रीट फॉर माधुरी लवर्स, सी डोमिनेटेड अनिल कपूर डिस्पाइट द स्टोरी लाइन फेवर्ड अनिल्स कैरेक्टर, अरुणा ईरानी वॉज ब्रिलियंट एज यूजल, सॉन्ग्स वर गुड एंड ऑल पॉपुलर सॉन्ग्स वर इंस्पायर्ड फ्रॉम अदर। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि जो बेटा फिल्म है उसको मतलब ऐसे ट्रीट किया जाना चाहिए कि जैसे कि वो माधुरी दीक्षित उसमें हावी रही हो एक्टिंग में, या ऐसे कह सकते हैं कि जो माधुरी दीक्षित है उनका जो रोल है वो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं दमदार रहा था अनिल कपूर के रोल के ऊपर, इनको ऐसा लगता है। और अनिल कपूर, जबकि अनिल कपूर का जो कैरेक्टर है उसको लिखा गया था इस कहानी में और उसको बनाया गया था कि हाँ वो दमदार लगे, लेकिन हुआ ऐसा नहीं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक और फिल्म की, बेटा, जो कि 1992 की हिंदी भाषा की भारतीय फिल्म है। इसको डायरेक्ट किया गया था इंद्र कुमार द्वारा और इसको लिखा गया था नौशीर खटाऊ द्वारा, और कमलेश पांडे ने भी इसमें थोड़ा बहुत हाथ जो है वो बटाया था इसको के लिखने में। इस फिल्म में जो हीरो की भूमिका में है, जो लीड रोल में है, वो है अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित और अरुणा ईरानी, इन्होंने यहाँ पर मुख्य भूमिका निभाई है। अगर बात करें इसके पटकथा लिखने की, तो इस फिल्म की जो पटकथा है वो लिखी गई है ज्ञानदेव, अग्निहोत्री, राजीव कौल और प्रफुल्ल पारेख ने। ये तीन आदमियों ने इस फिल्म का जो स्क्रीन प्ले है, ये कह सकते हैं कि जो एक एक लाइन, डायलॉग बाय डायलॉग, जो भी एक एक कैरेक्टर ने, जो भी एक एक अभिनेता ने बोला है, वो सब कुछ इन्होंने पहले लिखा था। क्योंकि हर फिल्म से पहले ये लिखा जाता है कि किस सीन में कौन सा हीरो, कौन सा कैरेक्टर, कौन सा अभिनेता क्या बोलने वाला है, तो वो सब चीज़ें लिखी जाती हैं। शब्द, एक एक शब्द जो है वो लिखा जाता है, उसका डायलॉग्स लिखे जाते हैं। तो वो सब जो लिखा गया था वो ज्ञानदेव, अग्निहोत्री, राजीव कौल और प्रफुल्ल पारेख ने लिखा था।
इस फिल्म की जो स्टोरी है वो लिखी थी के भाग्यराज ने, और इस फिल्म का जो निर्माण है यानी कि इसमें जो पैसा लगाया था वो लगाया था इंद्र कुमार और अशोक ठाकेरिया ने। जैसा कि हमने बात की है, इस फिल्म में जो स्टार्स हैं, जो मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, वो अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित हैं और अरुणा ईरानी भी है, लेकिन इन्हीं के साथ में दो और आप मान लीजिए अभिनेता हैं जो कि इस फिल्म में लगभग लगभग पूरी तरीके से तो नहीं कह सकते लेकिन मुख्य भूमिका में ही हैं, उनके बिना तो ये फिल्म नहीं बन सकती थी, लक्ष्मीकांत बर्दे और अनुपम खेर। अगर बात करें इस फिल्म के फोटोग्राफी की यानी कि इसमें जो है कैमरा किसने चलाया है, तो वो है बाबा आजमी ने, और इस फिल्म का जो एडिशन है यानी कि जो वीडियो बन गई, जो कैमरे से वीडियोस बनाई गई, जो कैमरे से रिकॉर्डिंग की गई, उस रिकॉर्डिंग को बाद में एडिट कर कर एक फिल्म का अवतार देना, वो सब जो काम किया है वो किया है हुसैन ए बुरमावाला ने। और इस फिल्म में जो म्यूजिक है यानी कि जो ताल बनाई गई है ढोलक की और हारमोनियम की और जितने भी और ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जितने भी उपकरण होते हैं, तो वो किया गया है आनंद मिलिंद द्वारा, आनंद मिलिंद नाम है उनका। और इस फिल्म की जो प्रोडक्शन कंपनी है यानी कि किस कंपनी ने इसमें पैसा लगाया है, एक तो आदमी होता है जो कि इसमें पैसा लगाता है, साथ ही साथ एक कंपनी भी होती है, कुछ स्पॉन्सर्स करते हैं, मतलब एक आदमी तो मिलकर अकेला पैसा नहीं लगा सकता ना, तो कुछ कुछ अलग अलग जगहों पर जो है, क्योंकि एक कॉम्बिनेशन बनता है, जैसे आप कह सकते हैं कि एक तो मालिक होता है उसका जो कि सारा पैसा लगाता है, अगर अगर कुछ भी खर्चा होता है तो वो लगाता है, लेकिन कुछ जगहों पर जैसे कि ड्रेस का काम है या फिर गाड़ियों का काम है, उसमें मान लीजिए कोई कंपनी आ जाएगी जो कि पैसा लगाएगी। तो इस तरीके से मारुति इंटरनेशनल ने भी इसमें पैसा लगाया था, और इस फिल्म की जो रिलीज डेट थी वो थी 3 अप्रैल 1992। इस फिल्म का जो रनिंग टाइम था यानी कि कितनी देर तक ये फिल्म चलेगी, कितने देर की ये फिल्म थी, तो वो थी 172 मिनट, यानी कि अगर बात करें तो 3 घंटे से सिर्फ 8 मिनट कम, 2 घंटे 52 मिनट की ये फिल्म थी, काफी बड़ी फिल्म थी, लेकिन पता ही नहीं चलता था ना, क्योंकि फिल्म इतनी मजेदार हुआ करती थी, फिल्मों में इतने गाने हुआ करते थे, सब कुछ इतना मजेदार था। अब की फिल्में शुरू होती हैं तो लगता है कि यार ये कब खत्म होंगी, लेकिन पहले की फिल्में शुरू होते ही खत्म हो जाया करती थी, पता ही नहीं चलता था। तो यही फर्क है दोनों में। इस फिल्म का एक रीमेक भी बना था 1987 में, जो कि तमिल मूवी है, एक एनगा चिन्ना रासा। अब देखिए नाम तो मैं अगर सही ले रहा हूँ या नहीं ले रहा हूँ इस बात का तो मुझे नहीं पता है, लेकिन ये 1987 में बनी थी तमिल फिल्म में, तमिल लैंग्वेज में ये बनी थी, तमिल भाषा में ये बनी थी फिल्म, और इसका ऑफिशियल था, मतलब कि जो इसके प्रोड्यूसर्स थे, जो इसके राइटर्स थे, जो इसके लेखक थे, उन्होंने ही उसका जो बनाने की परमिशन थी, आज्ञा थी, वो दी थी तमिल प्रोड्यूसर्स को, और तमिल भाषा में ये फिल्म बनी थी, जिसका नाम रहा था, ये तमिल फिल्म की रीमेक थी, तमिल फिल्म जो बनी थी वो इसकी रीमेक नहीं थी। तो ये प्रथा चली आ रही है कि तमिल से कुछ जो फिल्में हैं वो उठाते हैं बॉलीवुड वाले और उसको बना डालते हैं अगर उनको अच्छी लगती है। और बात करें अगर बेटा की, तो इसने कितना जो है सक्सेस पाई थी बॉक्स ऑफिस पर, इसने कितना कलेक्शन किया था बॉक्स ऑफिस पर, इसने कितनी कमाई की थी, अगर इसकी बात करें तो ये सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बनी थी 1992 की ये सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। इस फिल्म ने 5 फिल्मफेयर अवार्ड्स जीते थे, 5 अवार्ड्स। कपूर यानी कि अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित ने जो है बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता था, अनिल कपूर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था माधुरी दीक्षित को। अनुराधा पौडवाल ने भी बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड यहां पर जीता था, क्योंकि उन्होंने इस फिल्म के गाने जो हैं वो गाए हैं, तो इसलिए उनको बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला था। और जिस गाने के लिए मिला था वो गाना था धक धक करने लगा। और सरोज खान ने फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट कोरियोग्राफी का अवार्ड जीता था
फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट कोरियोग्राफी, यानी कि जो डांस स्टेप्स होते हैं, जो नाचने का तरीका होता है, उसके लिए जो अवार्ड मिला था वो सरोज खान ने जीता था। और बेस्ट प्लेबैक फीमेल सिंगर का मीनिंग है कि जो गाना गाया था, जो गायिका है उनका बेस्ट गायिका या सबसे अच्छी गायिका का जो अवार्ड है वो अनुराधा पौडवाल को मिला था। ऐसे ही जो ईरानी हैं उन्होंने इसमें इस फिल्म के से एक अवार्ड जीता था जिसको कहते हैं बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस, यानी कि सहायक भूमिका में जो अभिनेत्री रही थी उसका अवार्ड इन्होंने जीता था। बात करें इस फिल्म की कहानी की तो राजू, जो कि अनिल कपूर यहाँ पर निभा रहे हैं किरदार, राजू एक बेटा है बड़े से लैंडलॉर्ड का, जिसको कहें जमींदार का बेटा, बड़े जमींदार का बेटा है जिसका नाम है प्रेम, और प्रेम का यहाँ पर किरदार निभाया है आकाश खुराना ने। राजू की जो माँ है वो बचपन में ही मर जाती है जब उसका जन्म होता है, और राजू को बहुत इस चीज का दुख रहता है। जब राजू का 5वां जन्मदिन होता है, प्रेम ने वादा किया था कि 5वें जन्मदिन पर उसको एक नई माँ मिलेगी, यानी कि वो शादी करने वाला होता है, और वो ये उम्मीद करता है कि वो उसका ख्याल रखेगी, राजू का जो है वो ख्याल रखेगी। लेकिन लक्ष्मी जो कि नई माँ बनकर आती है राजू की, वो थोड़ी सी लालची हो जाती है और वो उसका ख्याल इतना नहीं रखती, वो सिर्फ और सिर्फ पैसे के पीछे, प्रॉपर्टी के पीछे भागती है जो कि उस राजू के बाप की होती है, यानी कि प्रेम की। अगर बात करें इस फिल्म की रेटिंग्स की तो इस फिल्म की जो रेटिंग है वो 6.3 रही थी 10 में से, जो कि अब रेटिंग दी जाती है नए जमाने में, तो उस हिसाब से ये फिल्म काफ़ी नई फिल्मों के मुकाबले बहुत ही अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, यानी कि 10 में से 6.3 स्टार मिलना काफ़ी बड़ी बात होती है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस फिल्म को 5 में से 3.3 स्टार दिए थे, यानी कि 5 में से 3.3 अंक इसको प्राप्त हुए थे। अगर बात करें इसकी ऑडियंस रेटिंग की, या फिर जो अब जैसे क्योंकि ये ऑनलाइन का जमाना है तो ऑनलाइन में सबको रेटिंग दी जाती है, सब फिल्मों को जो है ये बताया जाता है कि ये मुझे कितनी अच्छी लगी, सब देखने वाले इसका रिव्यू करते हैं, सब बताते हैं कि मुझे कैसी फिल्म लगी, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो उनको दिए जाते हैं इस फिल्म को दिए जाते हैं 4.4 स्टार्स 5 में से, यानी कि लगभग हर एक व्यक्ति ने 5 में से इसको 4.5 नंबर दिए हैं। 5 में से 4.5 नंबर देना काफी बड़ी बात है इस फिल्म के लिए, लगभग सभी लोगों को ये पसंद आई है, इसका मतलब ये है। और बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में बहुत कुछ लिखा भी है, अगर बात करें एक दो रिव्यू पढ़ने की तो वो भी हम कर लेते हैं। एक ने लिखा है, लव्ड द कंटेंट एंड लव्ड द एक्टिंग ऑफ द ऑल द एक्टर्स अनिल कपूर एंड अरुणा ईरानी एंड बहुत सारी चीजें आगे लिखी हैं। तो इनका कहने का मतलब ये है कि हमें जो इसका अंदर का कंटेंट है, जो इसकी कहानी है, वो बहुत अच्छी लगी, और हमें जो एक्टिंग है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, एक्टर्स की अभिनय जो हमें बहुत अच्छा लगा, अभिनेताओं का, अनिल कपूर का और अरुणा ईरानी के लिए उन्होंने बहुत सारा प्यार लिखा है। साथ में उन्होंने आगे लिखा है, वेरी नाइस मूवी, लव द कंटेंट एंड लव द एक्टिंग ऑफ ऑल द एक्टर्स, सेम वही बात है उन्होंने दोबारा लिखी है, द म्यूजिक ऑफ धक धक करने लगा, इज कंपोज्ड बाय इलिया राजा इन तेलुगु, हाउ कैन द क्रेडिट गो टू आनंद मिलिंद। बस उनको ये थोड़ा सा यहाँ पर जिसको कहीं नाराजगी है कि जो धक धक करने लगा का जो कंपोजिशन है, जो म्यूजिक बनाया है, जो संगीत बनाया है, वो तेलुगु फिल्म के
जो कंपोजर हैं या तेलुगु फिल्म के जो संगीतकार हैं उन्होंने बनाया है, तो फिर आनंद मिलिंद को ये कैसे जाता है इसका वो क्रेडिट? कुछ लोगों की अलग-अलग रिव्यूज होते हैं, तो उनमें से ये एक था। अगला पढ़ते हैं, तो अगले फिल्म अगले यूजर ने लिखा है, वेरी नाइस मूवी, लव द कंटेंट, सेम वही बातें, लव द एक्टिंग ऑफ ऑल एक्टर्स, अनिल कपूर एंड अरुणा ईरानी, यू आर टू गुड। यानी कि उन्होंने लिखा है कि बहुत अच्छी पिक्चर है, बहुत अच्छी फिल्म है, हमें इसका जो कहानी है वो पसंद आई, और सभी फिल्म जब भी सभी जो एक्टर्स की एक्टिंग है वो काफ़ी अच्छी है। तो ये सब यहाँ पर आपको मतलब बहुत सारे मैंने रिव्यूज़ आपको बताए हैं कि क्या क्या इसमें लोगों ने अपने रिव्यू लिखे हैं, वो सब मैंने आपको यहाँ पर बताया है। एक और रिव्यू पढ़ लेते हैं हम। बेटा इज ट्रीट फॉर माधुरी लवर्स, सी डोमिनेटेड अनिल कपूर डिस्पाइट द स्टोरी लाइन फेवर्ड अनिल्स कैरेक्टर, अरुणा ईरानी वॉज ब्रिलियंट एज यूजल, सॉन्ग्स वर गुड एंड ऑल पॉपुलर सॉन्ग्स वर इंस्पायर्ड फ्रॉम अदर। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि जो बेटा फिल्म है उसको मतलब ऐसे ट्रीट किया जाना चाहिए कि जैसे कि वो माधुरी दीक्षित उसमें हावी रही हो एक्टिंग में, या ऐसे कह सकते हैं कि जो माधुरी दीक्षित है उनका जो रोल है वो काफी ज्यादा कह सकते हैं दमदार रहा था अनिल कपूर के रोल के ऊपर, इनको ऐसा लगता है। और अनिल कपूर जबकि अनिल कपूर का जो कैरेक्टर है उसको लिखा गया था इस कहानी में और उसको बनाया गया था कि हाँ वो दमदार लगे, लेकिन हुआ ऐसा नहीं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक और फिल्म की, बेटा, जो कि 1992 की हिंदी भाषा की भारतीय फिल्म है। इसको डायरेक्ट किया गया था इंद्र कुमार द्वारा और इसको लिखा गया था नौशीर खटाऊ द्वारा, और कमलेश पांडे ने भी इसमें थोड़ा बहुत हाथ जो है वो बटाया था इसको के लिखने में। इस फिल्म में जो हीरो की भूमिका में है, जो लीड रोल में है, वो है अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित और अरुणा ईरानी, इन्होंने यहाँ पर मुख्य भूमिका निभाई है। अगर बात करें इसके पटकथा लिखने की, तो इस फिल्म की जो पटकथा है वो लिखी गई है ज्ञानदेव अग्निहोत्री, राजीव कौल और प्रफुल्ल पारेख ने। ये तीन आदमियों ने इस फिल्म का जो स्क्रीन प्ले है, ये कह सकते हैं कि जो एक एक लाइन डायलॉग बाय डायलॉग जो भी एक एक कैरेक्टर ने, जो भी एक एक अभिनेता ने बोला है, वो सब कुछ इन्होंने पहले लिखा था। क्योंकि हर फिल्म से पहले ये लिखा जाता है कि किस सीन में कौन सा हीरो, कौन सा कैरेक्टर, कौन सा अभिनेता क्या बोलने वाला है, तो वो सब चीजें लिखी जाती हैं। शब्द, एक एक शब्द जो है वो लिखा जाता है, उसका डायलॉग्स लिखे जाते हैं। तो वो सब जो लिखा गया था वो ज्ञानदेव अग्निहोत्री, राजीव कौल और प्रफुल्ल पारेख ने लिखा था। इस फिल्म की जो स्टोरी है वो लिखी थी के भाग्यराज ने, और इस फिल्म का जो निर्माण है यानी कि इसमें जो पैसा लगाया था वो लगाया था इंद्र कुमार और अशोक ठाकेरिया ने। जैसा कि हमने बात की है, इस फिल्म में जो स्टार्स हैं, जो मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, वो अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित हैं और अरुणा ईरानी भी है, लेकिन इन्हीं के साथ में दो और आप मान लीजिए अभिनेता हैं जो कि इस फिल्म में लगभग लगभग पूरी तरीके से तो नहीं कह सकते लेकिन मुख्य भूमिका में ही हैं। उनके बिना तो ये फिल्म नहीं बन सकती थी, लक्ष्मीकांत बर्दे और अनुपम खेर। अगर बात करें इस फिल्म के फोटोग्राफी की, यानी कि इसमें जो है कैमरा किसने चलाया है, तो वो है बाबा आजमी ने। और इस फिल्म का जो एडिशन है, यानी कि जो वीडियो बन गई, जो कैमरे से वीडियोस बनाई गई, जो कैमरे से रिकॉर्डिंग की गई, उस रिकॉर्डिंग को बाद में एडिट कर कर एक फिल्म का अवतार देना, वो सब जो काम किया है वो किया है हुसैन एव बुरमावाला ने। और इस फिल्म में जो म्यूजिक है, यानी कि जो ताल बनाई गई है ढोलक की और हारमोनियम की और जितने भी और ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जितने भी उपकरण होते हैं, तो वो किया गया है आनंद मिलिंद द्वारा। आनंद मिलिंद नाम है उनका।
और इस फिल्म की जो प्रोडक्शन कंपनी है, यानी कि किस कंपनी ने इसमें पैसा लगाया है? एक तो आदमी होता है जो कि इसमें पैसा लगाता है, साथ ही साथ एक कंपनी भी होती है, कुछ स्पॉन्सर्स करते हैं। मतलब एक आदमी तो मिलकर अकेला पैसा नहीं लगा सकता ना, तो कुछ कुछ अलग अलग जगहों पर जो है, जो कि एक कॉम्बिनेशन बनता है, जैसे आप कह सकते हैं कि एक तो मालिक होता है उसका, जो कि सारा पैसा लगाता है, अगर कुछ भी खर्चा होता है तो वो लगाता है, लेकिन कुछ जगहों पर जैसे कि ड्रेस का काम है या फिर गाड़ियों का काम है, उसमें मान लीजिए कोई कंपनी आ जाएगी जो कि पैसा लगाएगी। तो इस तरीके से मारुति इंटरनेशनल ने भी इसमें पैसा लगाया था, और इस फिल्म की जो रिलीज डेट थी वो थी 3 अप्रैल 1992। इस फिल्म का जो रनिंग टाइम था, यानी कि कितनी देर तक ये फिल्म चलेगी, कितनी देर की ये फिल्म थी, तो वो थी 172 मिनट, यानी कि अगर बात करें तो 3 घंटे से सिर्फ 8 मिनट कम, 2 घंटे 52 मिनट की ये फिल्म थी। काफी बड़ी फिल्म थी, लेकिन पता ही नहीं चलता था ना, क्योंकि फिल्म इतनी मजेदार हुआ करती थी, फिल्मों में इतने गाने हुआ करते थे, सब कुछ इतना मजेदार था। अब की फिल्में शुरू होती हैं तो लगता है कि यार ये कब खत्म होगी, लेकिन पहले की फिल्में शुरू होते ही खत्म हो जाया करती थी, पता ही नहीं चलता था। तो यही फर्क है दोनों में। इस फिल्म का एक रीमेक भी बना था 1987 में, जो कि तमिल मूवी है, एक एनगा चिन्ना रासा। अब देखिए नाम तो मैं अगर सही ले रहा हूँ या नहीं ले रहा हूँ इस बात का तो मुझे नहीं पता है, लेकिन ये 1987 में बनी थी, तमिल फिल्म में, तमिल लैंग्वेज में ये बनी थी, तमिल भाषा में ये बनी थी फिल्म। और इसका ऑफिशियल था, मतलब कि जो इसके प्रोड्यूसर्स थे, जो इसके राइटर्स थे, जो इसके लेखक थे, उन्होंने ही उसका जो बनाने की परमिशन थी, आज्ञा थी, वो दी थी तमिल प्रोड्यूसर्स को, और तमिल भाषा में ये फिल्म बनी थी, जिसका नाम रहा था, ये तमिल फिल्म की रीमेक थी, तमिल फिल्म जो बनी थी वो इसकी रीमेक नहीं थी। तो ये प्रथा चली आ रही है कि तमिल से कुछ जो फिल्में हैं वो उठाते हैं बॉलीवुड वाले और उसको बना डालते हैं अगर उनको अच्छी लगती है। और बात करें अगर बेटा की, तो इसने कितना जो है सक्सेस पाई थी बॉक्स ऑफिस पर, इसने कितना कलेक्शन किया था बॉक्स ऑफिस पर, इसने कितनी कमाई की थी, अगर इसकी बात करें तो ये सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बनी थी 1992 की। 1992 की ये सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। इस फिल्म ने 5 फिल्म फेयर अवार्ड्स जीते थे, 5 अवार्ड्स। कपूर यानी कि अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित ने जो है बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता था। अनिल कपूर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था माधुरी दीक्षित को। अनुराधा पौडवाल ने भी बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड यहां पर जीता था, क्योंकि उन्होंने इस फिल्म के गाने जो हैं वो गाए हैं, तो इसलिए उनको बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला था। और जिस गाने के लिए मिला था वो गाना था धक धक करने लगा। और सरोज खान ने फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट कोरियोग्राफी का अवार्ड जीता था, फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट कोरियोग्राफी, यानी कि जो डांस स्टेप्स होते हैं, जो नाचने का तरीका होता है, उसके लिए जो अवार्ड मिला था वो सरोज खान ने जीता था। और बेस्ट प्लेबैक फीमेल सिंगर का मीनिंग है कि जो गाना गाया था, जो गायिका है उनका बेस्ट गायिका या सबसे अच्छी गायिका का जो अवार्ड है वो अनुराधा पौडवाल को मिला था। ऐसे ही जो ईरानी हैं उन्होंने इसमें इस फिल्म के से एक अवार्ड जीता था, जिसको कहते हैं बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस, यानी कि सहायक भूमिका में जो अभिनेती अभिनेत्री रही थी उसका अवार्ड इन्होंने जीता था। बात करें इस फिल्म की कहानी की, तो राजू जो कि अनिल कपूर यहाँ पर निभा रहे हैं किरदार, राजू एक बेटा है बड़े से लैंडलॉर्ड का, या जिसको कहें जमींदार का बेटा है, बड़े जमींदार का बेटा है, जिसका नाम है प्रेम। और प्रेम का यहाँ पर किरदार निभाया है आकाश खुराना ने। राजू की जो माँ है वो बचपन में ही मर जाती है जब उसका जन्म हुआ होता है, और राजू को बहुत इस चीज का दुख रहता है।
जब राजू का 5वां जन्मदिन होता है, प्रेम ने वादा किया था कि 5वें जन्मदिन पर उसको एक नई मांग मिलेगी, यानी कि वो शादी करने वाला होता है और वो ये उम्मीद करता है कि वो उसका ख्याल रखेगी, राजू का जो है वो ख्याल रखेगी। लेकिन लक्ष्मी जो कि नई माँ बनकर आती है राजू की, वो थोड़ी सी लालची हो जाती है और वो उसका ख्याल इतना नहीं रखती। वो सिर्फ और सिर्फ पैसे के पीछे, प्रॉपर्टी के पीछे भागती है जो कि उस राजू के बाप की होती है, यानी कि प्रेम की। अगर बात करें इस फिल्म की रेटिंग्स की, तो इस फिल्म की जो रेटिंग है वो 6.3 रही थी 10 में से, जो कि अब रेटिंग दी जाती है नए जमाने में, तो उस हिसाब से ये फिल्म काफी नई फिल्मों के मुकाबले बहुत ही अच्छी है, बहुत ही ज्यादा अच्छी है। यानी कि 10 में से 6.3 स्टार मिलना काफी बड़ी बात होती है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस फिल्म को 5 में से 3.3 स्टार दिए थे, यानी कि 5 में से 3.3 अंक इसको प्राप्त हुए थे। अगर बात करें इसकी ऑडियंस रेटिंग की, या फिर जो अब जैसे क्योंकि ये ऑनलाइन का जमाना है, तो ऑनलाइन में सबको रेटिंग दी जाती है, सब फिल्मों को जो है ये बताया जाता है कि ये मुझे कितनी अच्छी लगी, सब देखने वाले इसका रिव्यू करते हैं, सब बताते हैं कि मुझे कैसी फिल्म लगी। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो उनको दिए जाते हैं, इस फिल्म को दिए जाते हैं 4.4 स्टार्स 5 में से, यानी कि लगभग हर एक व्यक्ति ने 5 में से इसको 4.5 नंबर दिए हैं। 5 में से 4.5 नंबर देना काफी बड़ी बात है इस फिल्म के लिए। लगभग सभी लोगों को ये पसंद आई है, इसका मतलब ये है। और बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में बहुत कुछ लिखा भी है। अगर बात करें एक दो रिव्यू पढ़ने की, तो वो भी हम कर लेते हैं। एक ने लिखा है, लव्ड द कंटेंट एंड लव्ड द एक्टिंग ऑफ द ऑल द एक्टर्स, अनिल कपूर एंड अरुणा ईरानी एंड बहुत सारी चीजें आगे लिखी हैं। तो इनका कहने का मतलब यह है कि हमें जो इसका अंदर का कंटेंट है, जो इसकी कहानी है, वो बहुत अच्छी लगी, और हमें जो एक्टिंग है वो काफी ज्यादा अच्छी लगी, एक्टर्स की अभिनय जो हमें बहुत अच्छा लगा, अभिनेताओं का, अनिल कपूर का और अरुणा ईरानी के लिए उन्होंने बहुत सारा प्यार लिखा है। साथ में उन्होंने आगे लिखा है, वेरी नाइस मूवी, लव द कंटेंट एंड लव द एक्टिंग ऑफ ऑल द एक्टर्स। सेम वही बातें उन्होंने दोबारा लिखी है, द म्यूजिक ऑफ धक धक करने लगा, इज कंपोज्ड बाय इलिया राजा इन तेलुगु, हाउ कैन द क्रेडिट गो टू आनंद मिलिंद। बस उनको ही ये थोड़ा सा यहाँ पर जिसको कहे नाराजगी है कि जो धक धक करने लगा का जो कंपोजिशन है, जो म्यूजिक बनाया है, जो संगीत बनाया है, वो तेलुगु फिल्म के जो कंपोजर हैं या तेलुगु फिल्म के जो संगीतकार हैं उन्होंने बनाया है, तो फिर आनंद मिलिंद को ये कैसे जाता है इसका वो क्रेडिट। कुछ लोगों की अलग अलग रिव्यूज होते हैं, तो उनमें से एक था। अगला पढ़ते हैं, तो अगले यूजर ने लिखा है, वेरी नाइस मूवी, लव्ड द कंटेंट, सेम वही बातें, लव्ड द एक्टिंग ऑफ ऑल एक्टर्स, अनिल कपूर एंड अरुणा ईरानी, यू आर टू गुड। यानी कि उन्होंने लिखा है कि बहुत अच्छी पिक्चर है, बहुत अच्छी फिल्म है, हमें इसका जो कहानी है वो पसंद आई, और सभी जो एक्टर्स की एक्टिंग है वो काफी अच्छी है। तो ये सब यहाँ पर आपको, मतलब बहुत सारे मैंने रिव्यूज आपको बताए हैं कि क्या क्या इसमें लोगों ने अपने रिव्यू लिखे हैं, वो सब मैंने आपको यहाँ पर बताया है। एक और रिव्यू पढ़ लेते हैं हम। बेटा इज ट्रीट फॉर माधुरी लवर्स, सी डोमिनेटेड अनिल कपूर डिस्पाइट द स्टोरी लाइन, फेवर्ड अनिल्स कैरेक्टर, अरुणा ईरानी वॉज ब्रिलियंट एज यूजल, सॉन्ग्स वर गुड एंड ऑल पॉपुलर सॉन्ग्स वर इंस्पायर्ड फ्रॉम अदर। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि जो बेटा फिल्म है उसको मतलब ऐसे ट्रीट किया जाना चाहिए कि जैसे कि वो माधुरी दीक्षित
उसमें हावी रही हो एक्टिंग में, या ऐसे कह सकते हैं कि जो माधुरी दीक्षित है उनका जो रोल है वो काफी ज्यादा कह सकते हैं दमदार रहा था अनिल कपूर के रोल के ऊपर, इनको ऐसा लगता है। और अनिल कपूर, जबकि अनिल कपूर का जो कैरेक्टर है उसको लिखा गया था इस कहानी में और उसको बनाया गया था कि हाँ वो दमदार लगे, लेकिन हुआ ऐसा नहीं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक और फिल्म की, बेटा, जो कि 1992 की हिंदी भाषा की भारतीय फिल्म है। इसको डायरेक्ट किया गया था इंद्र कुमार द्वारा और इसको लिखा गया था नौशीर खटाऊ द्वारा, और कमलेश पांडे ने भी इसमें थोड़ा बहुत हाथ जो है वो बटाया था इसको के लिखने में। इस फिल्म में जो हीरो की भूमिका में है या जो लीड रोल में है वो है अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित और अरुणा ईरानी, इन्होंने यहाँ पर मुख्य भूमिका निभाई है। अगर बात करें इसके पटकथा लिखने की, तो इस फिल्म की जो पटकथा है वो लिखी गई है ज्ञानदेव अग्निहोत्री, राजीव कौल और प्रफुल्ल पारेख ने। ये तीन आदमियों ने इस फिल्म का जो स्क्रीन प्ले है, ये कह सकते हैं कि जो एक एक लाइन, डायलॉग बाय डायलॉग, जो भी एक एक कैरेक्टर ने, जो भी एक एक अभिनेता ने बोला है, वो सब कुछ इन्होंने पहले लिखा था। क्योंकि हर फिल्म से पहले ये लिखा जाता है कि किस सीन में कौन सा हीरो, कौन सा कैरेक्टर, कौन सा अभिनेता क्या बोलने वाला है, तो वो सब चीजें लिखी जाती हैं। शब्द, एक एक शब्द जो है वो लिखा जाता है, उसका डायलॉग्स लिखे जाते हैं। तो वो सब जो लिखा गया था वो ज्ञानदेव अग्निहोत्री, राजीव कौल और प्रफुल्ल पारेख ने लिखा था। इस फिल्म की जो स्टोरी है वो लिखी थी के भाग्यराज ने, और इस फिल्म का जो निर्माण है यानी कि इसमें जो पैसा लगाया था वो लगाया था इंद्र कुमार और अशोक ठाकेरिया ने। जैसा कि हमने बात की है, इस फिल्म में जो स्टार्स हैं, जो मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, वो अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित हैं और अरुणा ईरानी भी हैं, लेकिन इन्हीं के साथ में दो और आप मान लीजिए अभिनेता हैं जो कि इस फिल्म में लगभग लगभग पूरी तरीके से तो नहीं कह सकते लेकिन मुख्य भूमिका में ही हैं। उनके बिना तो ये फिल्म नहीं बन सकती थी, लक्ष्मीकांत बरदे और अनुपम खेर। अगर बात करें इस फिल्म के फोटोग्राफी की, यानी कि इसमें जो है कैमरा किसने चलाया है, तो वो है बाबा आजमी ने। और इस फिल्म का जो एडिशन है, यानी कि जो वीडियो बन गई, जो कैमरे से वीडियोस बनाई गई, जो कैमरे से रिकॉर्डिंग की गई, उस रिकॉर्डिंग को बाद में एडिट कर एक फिल्म का अवतार देना, वो सब जो काम किया है वो किया है हुसैन एव बुरमावाला ने। और इस फिल्म में जो म्यूजिक है, यानी कि जो ताल बनाई गई हैं ढोलक की और हारमोनियम की और जितने भी और ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जितने भी उपकरण होते हैं, तो वो किया गया है आनंद मिलिंद द्वारा। आनंद मिलिंद नाम है उनका। और इस फिल्म की जो प्रोडक्शन कंपनी है, यानी कि किस कंपनी ने इसमें पैसा लगाया है, एक तो आदमी होता है जो कि इसमें पैसा लगाता है, साथ ही साथ एक कंपनी भी होती है, कुछ स्पॉन्सर्स करते हैं। मतलब एक आदमी तो मिलकर अकेला पैसा नहीं लगा सकता ना, तो कुछ कुछ अलग अलग जगहों पर जो है, क्योंकि एक कॉम्बिनेशन बनता है, जैसे आप कह सकते हैं कि एक तो मालिक होता है उसका जो कि सारा पैसा लगाता है, अगर कुछ भी खर्चा होता है तो वो लगाता है, लेकिन कुछ जगहों पर जैसे कि ड्रेस का काम है या फिर गाड़ियों का काम है, उसमें मान लीजिए कोई कंपनी आ जाएगी जो कि पैसा लगाएगी। तो इस तरीके से मारुति इंटरनेशनल ने भी इसमें पैसा लगाया था। और इस फिल्म की जो रिलीज डेट थी वो थी 3 अप्रैल 1992। इस फिल्म का जो रनिंग टाइम था, यानी कि कितनी देर तक ये फिल्म चलेगी, कितनी देर की ये फिल्म थी, तो वो थी 172 मिनट, यानी कि अगर बात करें तो 3 घंटे से सिर्फ 8 मिनट कम, 2 घंटे 52 मिनट की ये फिल्म थी। काफी बड़ी फिल्म थी, लेकिन पता ही नहीं चलता था ना, क्योंकि फिल्म इतनी मजेदार हुआ करती थी, फिल्मों में इतने गाने हुआ करते थे, सब कुछ इतना मजेदार था। अब की फिल्में शुरू होती हैं तो लगता है कि यार ये कब खत्म होगी, लेकिन पहले की फिल्में शुरू होते ही खत्म हो जाया करती थी, पता ही नहीं चलता था। तो यही फर्क है दोनों में। इस फिल्म का एक रीमेक भी बना था 1987 में, जो कि तमिल मूवी है, एक
एनगा चिन्ना रासा। अब देखिए नाम तो मैं अगर सही ले रहा हूँ या नहीं ले रहा हूँ इस बात का तो मुझे नहीं पता है, लेकिन ये 1987 में बनी थी तमिल फिल्म में, तमिल लैंग्वेज में ये बनी थी, तमिल भाषा में ये बनी थी फिल्म। और इसका ऑफिशियल था मतलब कि जो इसके प्रोड्यूसर्स थे, जो इसके राइटर्स थे, जो इसके लेखक थे, उन्होंने ही इसका जो बनाने की परमिशन थी, आज्ञा थी, वो दी थी तमिल प्रोड्यूसर्स को। और तमिल भाषा में ये फिल्म बनी थी जिसका नाम रहा था, ये तमिल फिल्म की रीमेक थी, तमिल फिल्म जो बनी थी वो इसकी रीमेक नहीं थी। तो ये प्रथा चली आ रही है कि तमिल से कुछ जो फिल्में हैं वो उठाते हैं बॉलीवुड वाले और उसको बना डालते हैं अगर उनको अच्छी लगती है। और बात करें अगर बेटा की, तो इसने कितना जो है सक्सेस पाई थी बॉक्स ऑफिस पर, इसने कितना कलेक्शन किया था बॉक्स ऑफिस पर, इसने कितनी कमाई की थी अगर इसकी बात करें तो ये सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बनी थी 1992 की ये सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। इस फिल्म ने 5 फिल्म फेयर अवार्ड्स जीते थे, 5 अवार्ड्स। कपूर यानी कि अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित ने जो है बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता था। अनिल कपूर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था माधुरी दीक्षित को। अनुराधा पौडवाल ने भी बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड यहां पर जीता था, क्योंकि उन्होंने इस फिल्म के गाने जो है वो गाए हैं, तो इसलिए उनको बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला था। और जिस गाने के लिए मिला था वो गाना था धक धक करने लगा। और सरोज खान ने फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट कोरियोग्राफी का अवार्ड जीता था, फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट कोरियोग्राफी, यानी कि जो डांस स्टेप्स होते हैं, जो नाचने का तरीका होता है, उसके लिए जो अवार्ड मिला था वो सरोज खान ने जीता था। और बेस्ट प्लेबैक फीमेल सिंगर का मीनिंग है कि जो गाना गाया था, जो गायिका है उनका बेस्ट गायिका या सबसे अच्छी गायिका का जो अवार्ड है वो अनुराधा पौडवाल को मिला था। ऐसे ही जो ईरानी है उन्होंने इसमें इस फिल्म के से एक अवार्ड जीता था जिसको कहते हैं बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस, यानी कि सहायक भूमिका में जो अभिनेत्री रही थी उसका अवार्ड इन्होंने जीता था। बात करें इस फिल्म की कहानी की, तो राजू जो कि अनिल कपूर यहां पर निभा रहे हैं किरदार, राजू एक बेटा है बड़े से लैंडलॉर्ड का, या जिसको कहें जमींदार का बेटा है, बड़े जमींदार का बेटा है जिसका नाम है प्रेम। और प्रेम का यहां पर किरदार निभाया है आकाश खुराना ने। राजू की जो माँ है वो बचपन में ही मर जाती है जब उसका जन्म होता है, और राजू को बहुत इस चीज का दुख रहता है। जब राजू का 5वां जन्मदिन होता है, प्रेम ने वादा किया था कि 5वें जन्मदिन पर उसको एक नई माँ मिलेगी, यानी कि वो शादी करने वाला होता है, और वो ये उम्मीद करता है कि वो उसका ख्याल रखेगी, राजू का जो है वो ख्याल रखेगी। लेकिन लक्ष्मी जो कि नई माँ बनकर आती है राजू की, वो थोड़ी सी लालची हो जाती है और वो उसका ख्याल इतना नहीं रखती, वो सिर्फ और सिर्फ पैसे के पीछे, प्रॉपर्टी के पीछे भागती है जो कि उस राजू के बाप की होती है, यानी कि प्रेम की। अगर बात करें इस फिल्म की रेटिंग्स की, तो इस फिल्म की जो रेटिंग है वो 6.3 रही थी 10 में से, जो कि अब रेटिंग दी जाती है नए जमाने में, तो उस हिसाब से ये फिल्म काफी नई फिल्मों के मुकाबले बहुत ही अच्छी है, बहुत ही ज्यादा अच्छी है, यानी कि 10 में से 6.3 स्टार मिलना काफी बड़ी बात होती है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस फिल्म को 5 में से 3.3 स्टार दिए थे, यानी कि 5 में से 3.3 अंक इसको प्राप्त हुए थे। अगर बात करें इसकी ऑडियंस रेटिंग की या फिर
जॉब, जैसे क्योंकि ये ऑनलाइन का ज़माना है तो ऑनलाइन में सबको रेटिंग दी जाती है, सब फिल्मों को जो है ये बताया जाता है कि ये मुझे कितनी अच्छी लगी, सब देखने वाले इसका रिव्यू करते हैं, सब बताते हैं कि मुझे कैसी फिल्म लगी। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो उनको दिए जाते हैं, इस फिल्म को दिए जाते हैं 4.4 स्टार्स 5 में से, यानी कि लगभग हर एक व्यक्ति ने 5 में से इसको 4.5 नंबर दिए हैं। 5 में से 4.5 नंबर देना काफी बड़ी बात है इस फिल्म के लिए। लगभग सभी लोगों को ये पसंद आई है, इसका मतलब ये है। और बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में बहुत कुछ लिखा भी है। अगर बात करें एक दो रिव्यू पढ़ने की तो वो भी हम कर लेते हैं। एक ने लिखा है, लव द कंटेंट एंड लव द एक्टिंग ऑफ द ऑल द एक्टर्स, अनिल कपूर एंड अरुणा ईरानी एंड बहुत सारी चीज़ें आगे लिखी हैं। तो इनका कहने का मतलब ये है कि हमें जो इसका अंदर का कंटेंट है, जो इसकी कहानी है, वो बहुत अच्छी लगी, और हमें जो एक्टिंग है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, एक्टर्स की अभिनय जो हमें बहुत अच्छा लगा, अभिनेताओं का, अनिल कपूर का और अरुणा ईरानी के लिए उन्होंने बहुत सारा प्यार लिखा है। साथ में उन्होंने आगे लिखा है, वेरी नाइस मूवी, लव द कंटेंट एंड लव द एक्टिंग ऑफ ऑल द एक्टर्स। सेम वही बातें उन्होंने दोबारा लिखी है, द म्यूजिक ऑफ धक धक करने लगा, इज कंपोज्ड बाय इलिया राजा इन तेलुगु, हाउ कैन द क्रेडिट गो टू आनंद मिलिंद। बस उनको ये थोड़ा सा यहाँ पर जिसको कहीं नाराजगी है कि जो धक धक करने लगा का जो कंपोजिशन है, जो म्यूजिक बनाया है, जो संगीत बनाया है, वो तेलुगु फिल्म के जो कंपोजर हैं या तेलुगु फिल्म के जो संगीतकार हैं उन्होंने बनाया है, तो फिर आनंद मिलिंद को ये कैसे जाता है इसका वो क्रेडिट। कुछ लोगों की अलग अलग रिव्यूज होते हैं तो उनमें से ये एक था। अगला पढ़ते हैं। तो अगले फिल्म अगले यूजर ने लिखा है, वेरी नाइस मूवी, लव द कंटेंट, सेम वही बातें, लव द एक्टिंग ऑफ ऑल एक्टर्स, अनिल कपूर एंड अरुणा ईरानी, यू आर टू गुड, यानी कि उन्होंने लिखा है कि बहुत अच्छी पिक्चर है, बहुत अच्छी फिल्म है, हमें इसका जो कहानी है वो पसंद आई, और सभी जो एक्टर्स की एक्टिंग है वो काफ़ी अच्छी है। तो ये सब यहाँ पर आपको मतलब बहुत सारे मैंने रिव्यूज़ आपको बताए हैं कि क्या क्या इसमें लोगों ने अपने रिव्यू लिखे हैं, वो सब मैंने आपको यहाँ पर बताया है। एक और रिव्यू पढ़ लेते हैं हम। बेटा इज ट्रीट फॉर माधुरी लवर्स, सी डोमिनेटेड अनिल कपूर डिस्पाइट द स्टोरी लाइन फेवर्ड अनिल्स कैरेक्टर, अरुणा ईरानी वॉज ब्रिलियंट एज यूजल, सॉन्ग्स वर गुड एंड ऑल पॉपुलर सॉन्ग्स वर इंस्पायर्ड फ्रॉम अदर। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि जो बेटा फिल्म है उसको मतलब ऐसे ट्रीट किया जाना चाहिए कि जैसे कि वो माधुरी दीक्षित उसमें हावी रही हो एक्टिंग में, या ऐसे कह सकते हैं कि जो माधुरी दीक्षित है उनका जो रोल है वो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं दमदार रहा था अनिल कपूर के रोल के ऊपर, इनको ऐसा लगता है। और अनिल कपूर, जबकि अनिल कपूर का जो कैरेक्टर है उसको लिखा गया था इस कहानी में और उसको बनाया गया था कि हाँ वो दमदार लगे, लेकिन हुआ ऐसा नहीं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक और फिल्म की, बेटा, जो कि 1992 की हिंदी भाषा की भारतीय फिल्म है। इसको डायरेक्ट किया गया था इंद्र कुमार द्वारा और इसको लिखा गया था नौशीर खटाऊ द्वारा, और कमलेश पांडे ने भी इसमें थोड़ा बहुत हाथ जो है वो बटाया था इसको के लिखने में। इस फिल्म में जो हीरो की भूमिका में है, जो लीड रोल में है, वो है अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित और अरुणा ईरानी, इन्होंने यहाँ पर मुख्य भूमिका निभाई है। अगर बात करें इसके पटकथा लिखने की तो इस फिल्म की जो पटकथा है वो लिखी गई है ज्ञानदेव, अग्निहोत्री, राजीव कौल और प्रफुल्ल पारेख ने। ये तीन आदमियों ने इस फिल्म का जो स्क्रीन प्ले है, ये कह सकते हैं कि जो एक एक लाइन, डायलॉग बाय डायलॉग जो
जो भी एक एक कैरेक्टर ने, जो भी एक एक अभिनेता ने बोला है, वो सब कुछ इन्होंने पहले लिखा था। क्योंकि हर फिल्म से पहले ये लिखा जाता है कि किस सीन में कौन सा हीरो, कौन सा कैरेक्टर, कौन सा अभिनेता क्या बोलने वाला है, तो वो सब चीज़ें लिखी जाती हैं। शब्द, एक एक शब्द जो है वो लिखा जाता है, उसका डायलॉग्स लिखे जाते हैं। तो वो सब जो लिखा गया था वो ज्ञानदेव, अग्निहोत्री, राजीव कौल और प्रफुल्ल पारेख ने लिखा था। इस फिल्म की जो स्टोरी है वो लिखी थी के भाग्यराज ने, और इस फिल्म का जो निर्माण है यानी कि इसमें जो पैसा लगाया था वो लगाया था इंद्र कुमार और अशोक ठाकेरिया ने। जैसा कि हमने बात की है, इस फिल्म में जो स्टार्स हैं, जो मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, वो अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित हैं और अरुणा ईरानी भी हैं। लेकिन इन्हीं के साथ में दो और आप मान लीजिए अभिनेता हैं जो कि इस फिल्म में लगभग लगभग पूरी तरीके से तो नहीं कह सकते लेकिन मुख्य भूमिका में ही हैं। उनके बिना तो ये फिल्म नहीं बन सकती थी, लक्ष्मीकांत बर्दे और अनुपम खेर। अगर बात करें इस फिल्म के फोटोग्राफी की यानी कि इसमें जो है कैमरा किसने चलाया है, तो वो है बाबा आजमी ने। और इस फिल्म का जो एडिशन है यानी कि जो वीडियो बन गई, जो कैमरे से वीडियोस बनाई गई, जो कैमरे से रिकॉर्डिंग की गई, उस रिकॉर्डिंग को बाद में एडिट कर कर एक फिल्म का अवतार देना, वो सब जो काम किया है वो किया है हुसैन ए बुरमावाला ने। और इस फिल्म में जो म्यूजिक है यानी कि जो ताल बनाई गई है ढोलक की और हारमोनियम की और जितने भी और ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जितने भी उपकरण होते हैं, तो वो किया गया है आनंद मिलिंद द्वारा। आनंद मिलिंद नाम है उनका। और इस फिल्म की जो प्रोडक्शन कंपनी है यानी कि किस कंपनी ने इसमें पैसा लगाया है, एक तो आदमी होता है जो कि इसमें पैसा लगाता है, साथ ही साथ एक कंपनी भी होती है, कुछ स्पॉन्सर्स करते हैं। मतलब एक आदमी तो मिलकर अकेला पैसा नहीं लगा सकता ना, तो कुछ कुछ अलग अलग जगहों पर जो है, क्योंकि एक कॉम्बिनेशन बनता है, जैसे आप कह सकते हैं कि एक तो मालिक होता है उसका जो कि सारा पैसा लगाता है, अगर कुछ भी खर्चा होता है तो वो लगाता है, लेकिन कुछ जगहों पर जैसे कि ड्रेस का काम है या फिर गाड़ियों का काम है, उसमें मान लीजिए कोई कंपनी आ जाएगी जो कि पैसा लगाएगी। तो इस तरीके से मारुति इंटरनेशनल ने भी इसमें पैसा लगाया था। और इस फिल्म की जो रिलीज डेट थी वो थी 3 अप्रैल 1992। इस फिल्म का जो रनिंग टाइम था यानी कि कितनी देर तक ये फिल्म चलेगी, कितनी देर की ये फिल्म थी, तो वो थी 172 मिनट। यानी कि अगर बात करें तो 3 घंटे से सिर्फ 8 मिनट कम, 2 घंटे 52 मिनट की ये फिल्म थी। काफी बड़ी फिल्म थी लेकिन पता ही नहीं चलता था ना, क्योंकि फिल्म इतनी मजेदार हुआ करती थी, फिल्मों में इतने गाने हुआ करते थे, सब कुछ इतना मजेदार था। अब की फिल्में शुरू होती हैं तो लगता है कि यार ये कब खत्म होंगी, लेकिन पहले की फिल्में शुरू होते ही खत्म हो जाया करती थी, पता ही नहीं चलता था। तो यही फर्क है दोनों में। इस फिल्म का एक रीमेक भी बना था 1987 में, जो कि तमिल मूवी है, एक एनगा चिन्ना रासा। अब देखिए नाम तो मैं अगर सही ले रहा हूँ या नहीं ले रहा हूँ इस बात का तो मुझे नहीं पता है, लेकिन ये 1987 में बनी थी तमिल फिल्म में, तमिल लैंग्वेज में ये बनी थी, तमिल भाषा में ये बनी थी फिल्म। और इसका ऑफिशियल था, मतलब कि जो इसके प्रोड्यूसर्स थे, जो इसके राइटर्स थे, जो इसके लेखक थे, उन्होंने ही उसका जो बनाने की परमिशन थी, आज्ञा थी, वो दी थी तमिल प्रोड्यूसर्स को। और तमिल भाषा में ये फिल्म बनी थी, इसका नाम रहा था, ये तमिल फिल्म की रीमेक थी, तमिल फिल्म जो बनी थी वो इसकी रीमेक नहीं थी। तो ये प्रथा चली आ रही है कि तमिल से कुछ जो फिल्में हैं वो उठाते हैं बॉलीवुड वाले और उसको बना डालते हैं अगर उनको अच्छी लगती है। और बात करें अगर बेटा की, तो इसने कितना जो है सक्सेस पाई थी बॉक्स ऑफिस पर, इसने कितना कलेक्शन किया था बॉक्स ऑफिस पर, इसने कितनी कमाई की थी, अगर इसकी बात करें तो ये सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बनी थी 1992 की ये सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। इस फिल्म ने 5 फिल्मफेयर अवार्ड्स जीते थे, 5 अवार्ड्स। कपूर यानी कि अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित ने जो है बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता था। अनिल कपूर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था माधुरी दीक्षित को।
अनुराधा पौडवाल ने भी बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड यहाँ पर जीता था, क्योंकि उन्होंने इस फिल्म के गाने जो हैं वो गाए हैं, तो इसलिए उनको बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला था। और जिस गाने के लिए मिला था वो गाना था धक धक करने लगा। और सरोज खान ने फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट कोरियोग्राफी का अवार्ड जीता था, फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट कोरियोग्राफी, यानी कि जो डांस स्टेप्स होते हैं, जो नाचने का तरीका होता है, उसके लिए जो अवार्ड मिला था वो सरोज खान ने जीता था। और बेस्ट प्लेबैक फीमेल सिंगर का मीनिंग है कि जो गाना गाया था, जो गायिका है उनका बेस्ट गायिका या सबसे अच्छी गायिका का जो अवार्ड है वो अनुराधा पौडवाल को मिला था। ऐसे ही जो ईरानी है उन्होंने इसमें इस फिल्म के से एक अवार्ड जीता था जिसको कहते हैं बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस, यानी कि सहायक भूमिका में जो अभिनेती अभिनेत्री रही थी उसका अवार्ड इन्होंने जीता था। बात करें इस फिल्म की कहानी की, तो राजू जो कि अनिल कपूर यहाँ पर निभा रहे हैं किरदार, राजू एक बेटा है बड़े से लैंडलॉर्ड का, या जिसको कहें जमींदार का बेटा है, बड़े जमींदार का बेटा है, जिसका नाम है प्रेम। और प्रेम का यहाँ पर किरदार निभाया है आकाश खुराना ने। राजू की जो माँ है वो बचपन में ही मर जाती है जब उसका जन्म होता है, और राजू को बहुत इस चीज का दुख रहता है। जब राजू का 5वां जन्मदिन होता है, प्रेम ने वादा किया था कि 5वें जन्मदिन पर उसको एक नई माँ मिलेगी, यानी कि वो शादी करने वाला होता है, और वो ये उम्मीद करता है कि वो उसका ख्याल रखेगी, राजू का जो है वो ख्याल रखेगी। लेकिन लक्ष्मी जो कि नई माँ बनकर आती है राजू की, वो थोड़ी सी लालची हो जाती है और वो उसका ख्याल इतना नहीं रखती। वो सिर्फ और सिर्फ पैसे के पीछे, प्रॉपर्टी के पीछे भागती है जो कि उस राजू के बाप की होती है, यानी कि प्रेम की। अगर बात करें इस फिल्म की रेटिंग्स की, तो इस फिल्म की जो रेटिंग है वो 6.3 रही थी 10 में से, जो कि अब रेटिंग दी जाती है नए जमाने में, तो उस हिसाब से ये फिल्म काफी नई फिल्मों के मुकाबले बहुत ही अच्छी है, बहुत ही ज्यादा अच्छी है, यानी कि 10 में से 6.3 स्टार मिलना काफी बड़ी बात होती है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस फिल्म को 5 में से 3.3 स्टार दिए थे, यानी कि 5 में से 3.3 अंक इसको प्राप्त हुए थे। अगर बात करें इसकी ऑडियंस रेटिंग की, या फिर जो अब जैसे क्योंकि ये ऑनलाइन का जमाना है, तो ऑनलाइन में सबको रेटिंग दी जाती है, सब फिल्मों को जो है ये बताया जाता है कि ये मुझे कितनी अच्छी लगी, सब देखने वाले इसका रिव्यू करते हैं, सब बताते हैं कि मुझे कैसी फिल्म लगी, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो उनको दिए जाते हैं इस फिल्म को दिए जाते हैं 4.4 स्टार्स 5 में से, यानी कि लगभग हर एक व्यक्ति ने 5 में से इसको 4.5 नंबर दिए हैं। 5 में से 4.5 नंबर देना काफी बड़ी बात है इस फिल्म के लिए। लगभग सभी लोगों को ये पसंद आई है, इसका मतलब ये है। और बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में बहुत कुछ लिखा भी है। अगर बात करें एक दो रिव्यू पढ़ने की, तो वो भी हम कर लेते हैं। एक ने लिखा है, लव्ड द कंटेंट एंड लव्ड द एक्टिंग ऑफ द ऑल द एक्टर्स अनिल कपूर एंड अरुणा ईरानी एंड बहुत सारी चीजें आगे लिखी हैं। तो इनका कहने का मतलब ये है कि हमें जो इसका अंदर का कंटेंट है, जो इसकी कहानी है, वो बहुत अच्छी लगी, और हमें जो एक्टिंग है वो काफी ज्यादा अच्छी लगी, एक्टर्स की अभिनय जो हमें बहुत अच्छा लगा, अभिनेताओं का, अनिल कपूर का और अरुणा ईरानी के लिए उन्होंने बहुत सारा प्यार लिखा है।
साथ में उन्होंने आगे लिखा है, वेरी नाइस मूवी, लव द कंटेंट एंड लव द एक्टिंग ऑफ ऑल द एक्टर्स. सेम वही बातें उन्होंने दोबारा लिखी है, द म्यूजिक ऑफ धक धक करने लगा, इज कंपोज्ड बाय इलिया राजा इन तेलुगु, हाउ कैन द क्रेडिट गो टू आनंद मिलिंद. बस उनको ये थोड़ा सा यहाँ पर जिसको कहीं नाराजगी है कि जो धक धक करने लगा का जो कंपोजिशन है, जो म्यूजिक बनाया है, जो संगीत बनाया है, वो तेलुगु फिल्म के जो कंपोजर हैं या तेलुगु फिल्म के जो संगीतकार हैं उन्होंने बनाया है, तो फिर आनंद मिलिंद को ये कैसे जाता है इसका वो क्रेडिट. कुछ लोगों की अलग अलग रिव्यूज होते हैं तो उनमें से ये एक था. अगला पढ़ते हैं. तो अगले यूजर ने लिखा है, वेरी नाइस मूवी, लव द कंटेंट, सेम वही बातें, लव द एक्टिंग ऑफ ऑल एक्टर्स, अनिल कपूर एंड अरुणा ईरानी, यू आर टू गुड. यानी उन्होंने लिखा है कि बहुत अच्छी पिक्चर है, बहुत अच्छी फिल्म है, हमें इसका जो कहानी है वो पसंद आई और सभी जो एक्टर्स की एक्टिंग है वो काफी अच्छी है. तो ये सब यहाँ पर आपको मतलब बहुत सारे मैंने रिव्यूज आपको बताए हैं कि क्या क्या इसमें लोगों ने अपने रिव्यू लिखे हैं, वो सब मैंने आपको यहाँ पर बताया है. एक और रिव्यू पढ़ लेते हैं हम. बेटा इज ट्रीट फॉर माधुरी लवर्स, सी डोमिनेटेड अनिल कपूर डिस्पाइट द स्टोरी लाइन, फेवर्ड अनिल्स कैरेक्टर, अरुणा ईरानी वॉज ब्रिलियंट एज यूजल, सॉन्ग्स वर गुड एंड ऑल पॉपुलर सॉन्ग्स वर इंस्पायर्ड फ्रॉम अदर. यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि जो बेटा फिल्म है उसको मतलब ऐसे ट्रीट किया जाना चाहिए कि जैसे कि वो माधुरी दीक्षित उसमें हावी रही हो एक्टिंग में, या ऐसे कह सकते हैं कि जो माधुरी दीक्षित है उनका जो रोल है वो काफी ज्यादा कह सकते हैं दमदार रहा था अनिल कपूर के रोल के ऊपर, इनको ऐसा लगता है. और अनिल कपूर, जबकि अनिल कपूर का जो कैरेक्टर है उसको लिखा गया था इस कहानी में और उसको बनाया गया था कि हाँ वो दमदार लगे, लेकिन हुआ ऐसा नहीं. नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर. आज हम बात करने वाले हैं एक और फिल्म की, बेटा, जो कि 1992 की हिंदी भाषा की भारतीय फिल्म है. इसको डायरेक्ट किया गया था इंद्र कुमार द्वारा और इसको लिखा गया था नौशीर खटाऊ द्वारा और कमलेश पांडे ने भी इसमें थोड़ा बहुत हाथ जो है वो बटाया था इसको के लिखने में. इस फिल्म में जो हीरो की भूमिका में है या जो लीड रोल में है वो है अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित और अरुणा ईरानी. इन्होंने यहाँ पर मुख्य भूमिका निभाई है. अगर बात करें इसके पटकथा लिखने की, तो इस फिल्म की जो पटकथा है वो लिखी गई है ज्ञानदेव, अग्निहोत्री, राजीव कौल और प्रफुल्ल पारेख ने. ये तीन आदमियों ने इस फिल्म का जो स्क्रीन प्ले है, ये कह सकते हैं कि जो एक एक लाइन, डायलॉग बाय डायलॉग, जो भी एक एक कैरेक्टर ने, जो भी एक एक अभिनेता ने बोला है, वो सब कुछ इन्होंने पहले लिखा था. क्योंकि हर फिल्म से पहले ये लिखा जाता है कि किस सीन में कौन सा हीरो, कौन सा कैरेक्टर, कौन सा अभिनेता क्या बोलने वाला है, तो वो सब चीजें लिखी जाती हैं. शब्द, एक एक शब्द जो है वो लिखा जाता है, उसका डायलॉग्स लिखे जाते हैं. तो वो सब जो लिखा गया था वो ज्ञानदेव, अग्निहोत्री, राजीव कौल और प्रफुल्ल पारेख ने लिखा था. इस फिल्म की जो स्टोरी है वो लिखी थी के भाग्यराज ने और इस फिल्म का जो निर्माण है, यानी कि इसमें जो पैसा लगाया था वो लगाया था इंद्र कुमार और अशोक ठाकेरिया ने. जैसा कि हमने बात की है, इस फिल्म में जो स्टार्स हैं, जो मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, वो अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित हैं और अरुणा ईरानी भी है. लेकिन इन्हीं के साथ में दो और आप मान लीजिए अभिनेता हैं जो कि इस फिल्म में लगभग पूरी तरीके से तो नहीं कह सकते लेकिन मुख्य भूमिका में ही है, उनके बिना तो ये फिल्म नहीं बन सकती थी, लक्ष्मीकांत बर्दे और अनुपम खेर. अगर बात करें इस फिल्म के फोटोग्राफी की, यानी कि इसमें जो है कैमरा किसने चलाया है, तो वो है बाबा आजमी ने. और इस फिल्म का जो एडिशन है, यानी कि
जो वीडियो बन गई, जो कैमरे से वीडियोस बनाई गई, जो कैमरे से रिकॉर्डिंग की गई, उस रिकॉर्डिंग को बाद में एडिट कर एक फिल्म का अवतार देना, वो सब जो काम किया है वो किया है हुसैन एव बुरमावाला ने। और इस फिल्म में जो म्यूजिक है, यानी कि जो ताल बनाई गई है ढोलक की और हारमोनियम की और जितने भी और ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जितने भी उपकरण होते हैं, तो वो किया गया है आनंद मिलिंद द्वारा। आनंद मिलिंद नाम है उनका। और इस फिल्म की जो प्रोडक्शन कंपनी है, यानी कि किस कंपनी ने इसमें पैसा लगाया है, एक तो आदमी होता है जो कि इसमें पैसा लगाता है, साथ ही साथ एक कंपनी भी होती है, कुछ स्पॉन्सर्स करते हैं। मतलब एक आदमी तो मिलकर अकेला पैसा नहीं लगा सकता ना, तो कुछ कुछ अलग अलग जगहों पर जो है, क्योंकि एक कॉम्बिनेशन बनता है, जैसे आप कह सकते हैं कि एक तो मालिक होता है उसका जो कि सारा पैसा लगाता है, अगर कुछ भी खर्चा होता है तो वो लगाता है, लेकिन कुछ जगहों पर जैसे कि ड्रेस का काम है या फिर गाड़ियों का काम है, उसमें मान लीजिए कोई कंपनी आ जाएगी जो कि पैसा लगाएगी। तो इस तरीके से मारुति इंटरनेशनल ने भी इसमें पैसा लगाया था। और इस फिल्म की जो रिलीज डेट थी वो थी 3 अप्रैल 1992। इस फिल्म का जो रनिंग टाइम था, यानी कि कितनी देर तक ये फिल्म चलेगी, कितनी देर की ये फिल्म थी, तो वो थी 172 मिनट, यानी कि अगर बात करें तो 3 घंटे से सिर्फ 8 मिनट कम, 2 घंटे 52 मिनट की ये फिल्म थी। काफी बड़ी फिल्म थी, लेकिन पता ही नहीं चलता था ना, क्योंकि फिल्म इतनी मजेदार हुआ करती थी, फिल्मों में इतने गाने हुआ करते थे, सब कुछ इतना मजेदार था। अब की फिल्में शुरू होती हैं तो लगता है कि यार ये कब खत्म होंगी, लेकिन पहले की फिल्में शुरू होते ही खत्म हो जाया करती थी, पता ही नहीं चलता था। तो यही फर्क है दोनों में। इस फिल्म का एक रीमेक भी बना था 1987 में, जो कि तमिल मूवी है, एक एनगा चिन्ना रासा। अब देखिए नाम तो मैं अगर सही ले रहा हूँ या नहीं ले रहा हूँ इस बात का तो मुझे नहीं पता है, लेकिन ये 1987 में बनी थी तमिल फिल्म में, तमिल लैंग्वेज में ये बनी थी, तमिल भाषा में ये बनी थी फिल्म। और इसका ऑफिशियल था, मतलब कि जो इसके प्रोड्यूसर्स थे, जो इसके राइटर्स थे, जो इसके लेखक थे, उन्होंने ही उसका जो बनाने की परमिशन थी, आज्ञा थी, वो दी थी तमिल प्रोड्यूसर्स को, और तमिल भाषा में ये फिल्म बनी थी, जिसका नाम रहा था, ये तमिल फिल्म की रीमेक थी, तमिल फिल्म जो बनी थी वो इसकी रीमेक नहीं थी। तो ये प्रथा चली आ रही है कि तमिल से कुछ जो फिल्में हैं वो उठाते हैं बॉलीवुड वाले और उसको बना डालते हैं अगर उनको अच्छी लगती है। और बात करें अगर बेटा की, तो इसने कितना जो है सक्सेस पाई थी बॉक्स ऑफिस पर, इसने कितना कलेक्शन किया था बॉक्स ऑफिस पर, इसने कितनी कमाई की थी, अगर इसकी बात करें तो ये सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बनी थी 1992 की, 1992 की ये सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। इस फिल्म ने 5 फिल्मफेयर अवार्ड्स जीते थे, 5 अवार्ड्स। कपूर यानी कि अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित ने जो है बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता था। अनिल कपूर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था माधुरी दीक्षित को। अनुराधा पौडवाल ने भी बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड यहां पर जीता था, क्योंकि उन्होंने इस फिल्म के गाने जो हैं वो गाए हैं, तो इसलिए उनको बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला था। और जिस गाने के लिए मिला था वो गाना था धक धक करने लगा। और सरोज खान ने फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट कोरियोग्राफी का अवार्ड जीता था, फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट कोरियोग्राफी, यानी कि जो डांस स्टेप्स होते हैं, जो नाचने का तरीका होता है, उसके लिए जो अवार्ड मिला था वो सरोज खान ने जीता था। और बेस्ट प्लेबैक फीमेल सिंगर का मीनिंग है कि जो गाना गाया था, जो गायिका है उनका बेस्ट गायिका या सबसे अच्छी गायिका का जो अवार्ड है वो अनुराधा पौडवाल को मिला था। ऐसे ही जो ईरानी हैं उन्होंने इसमें इस फिल्म के से एक अवार्ड जीता था, जिसको कहते हैं बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस, यानी कि सहायक भूमिका में जो अभिनेती अभिनेत्री रही थी उसका अवार्ड इन्होंने जीता था। बात करें इस फिल्म की कहानी की, तो राजू जो कि अनिल कपूर यहाँ पर निभा रहे हैं किरदार, राजू एक
बेटा है बड़े से लैंडलॉर्ड का, या जिसको कहें जमींदार का बेटा है, बड़े जमींदार का बेटा है जिसका नाम है प्रेम। और प्रेम का यहाँ पर किरदार निभाया है आकाश खुराना ने। राजू की जो माँ है वो बचपन में ही मर जाती है जब उसका जन्म होता है, और राजू को बहुत इस चीज का दुख रहता है। जब राजू का 5वां जन्मदिन होता है, प्रेम ने वादा किया था कि 5वें जन्मदिन पर उसको एक नई माँ मिलेगी, यानी कि वो शादी करने वाला होता है, और वो ये उम्मीद करता है कि वो उसका ख्याल रखेगी, राजू का जो है वो ख्याल रखेगी। लेकिन लक्ष्मी जो कि नई माँ बनकर आती है राजू की, वो थोड़ी सी लालची हो जाती है और वो उसका ख्याल इतना नहीं रखती। वो सिर्फ और सिर्फ पैसे के पीछे, प्रॉपर्टी के पीछे भागती है जो कि उस राजू के बाप की होती है, यानी कि प्रेम की। अगर बात करें इस फिल्म की रेटिंग्स की, तो इस फिल्म की जो रेटिंग है वो 6.3 रही थी 10 में से, जो कि अब रेटिंग दी जाती है नए जमाने में, तो उस हिसाब से ये फिल्म काफ़ी नई फिल्मों के मुकाबले बहुत ही अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। यानी कि 10 में से 6.3 स्टार मिलना काफ़ी बड़ी बात होती है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस फिल्म को 5 में से 3.3 स्टार दिए थे, यानी कि 5 में से 3.3 अंक इसको प्राप्त हुए थे। अगर बात करें इसकी ऑडियंस रेटिंग की, या फिर जो अब जैसे क्योंकि ये ऑनलाइन का जमाना है तो ऑनलाइन में सबको रेटिंग दी जाती है, सब फिल्मों को जो है ये बताया जाता है कि ये मुझे कितनी अच्छी लगी, सब देखने वाले इसका रिव्यू करते हैं, सब बताते हैं कि मुझे कैसी फिल्म लगी। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो उनको दिए जाते हैं, इस फिल्म को दिए जाते हैं 4.4 स्टार्स 5 में से, यानी कि लगभग हर एक व्यक्ति ने 5 में से इसको 4.5 नंबर दिए हैं। 5 में से 4.5 नंबर देना काफी बड़ी बात है इस फिल्म के लिए। लगभग सभी लोगों को ये पसंद आई है, इसका मतलब ये है। और बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में बहुत कुछ लिखा भी है। अगर बात करें एक दो रिव्यू पढ़ने की तो वो भी हम कर लेते हैं। एक ने लिखा है, लव्ड द कंटेंट एंड लव्ड द एक्टिंग ऑफ द ऑल द एक्टर्स अनिल कपूर एंड अरुणा ईरानी एंड बहुत सारी चीजें आगे लिखी हैं। तो इनका कहने का मतलब ये है कि हमें जो इसका अंदर का कंटेंट है, जो इसकी कहानी है, वो बहुत अच्छी लगी, और हमें जो एक्टिंग है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, एक्टर्स की अभिनय जो हमें बहुत अच्छा लगा, अभिनेताओं का, अनिल कपूर का और अरुणा ईरानी के लिए उन्होंने बहुत सारा प्यार लिखा है। साथ में उन्होंने आगे लिखा है, वेरी नाइस मूवी, लव द कंटेंट एंड लव द एक्टिंग ऑफ ऑल द एक्टर्स। सेम वही बातें उन्होंने दोबारा लिखी है, द म्यूजिक ऑफ धक धक करने लगा, इज कंपोज्ड बाय इलिया राजा इन तेलुगु, हाउ कैन द क्रेडिट गो टू आनंद मिलिंद। बस उनको ये थोड़ा सा यहाँ पर जिसको कहें नाराजगी है कि जो धक धक करने लगा का जो कंपोजिशन है, जो म्यूजिक बनाया है, जो संगीत बनाया है, वो तेलुगु फिल्म के जो कंपोजर हैं या तेलुगु फिल्म के जो संगीतकार हैं उन्होंने बनाया है, तो फिर आनंद मिलिंद को ये कैसे जाता है इसका वो क्रेडिट। कुछ लोगों की अलग अलग रिव्यूज होते हैं तो उनमें से ये एक था। अगला पढ़ते हैं। तो अगले यूजर ने लिखा है, वेरी नाइस मूवी, लव्ड द कंटेंट, सेम वही बातें, लव्ड द एक्टिंग ऑफ ऑल एक्टर्स अनिल कपूर एंड अरुणा ईरानी, यू आर टू गुड, यानी कि उन्होंने लिखा है कि बहुत अच्छी पिक्चर है, बहुत अच्छी फिल्म है, हमें इसका जो कहानी है वो पसंद आई, और सभी जो एक्टर्स की एक्टिंग है वो काफ़ी अच्छी है। तो ये सब यहाँ पर आपको मतलब बहुत सारे मैंने रिव्यूज़ आपको बताए हैं कि क्या क्या इसमें लोगों ने अपने रिव्यू लिखे हैं, वो सब मैंने आपको यहाँ पर बताया है।
एक और रिव्यू पढ़ लेते हैं हम। बेटा इज ट्रीट फॉर माधुरी लवर्स, सी डोमिनेटेड अनिल कपूर डिस्पाइट द स्टोरी लाइन फेवर्ड अनिल्स कैरेक्टर अरुणा ईरानी वॉज ब्रिलियंट एज यूजल सॉन्ग्स वर गुड एंड ऑल पॉपुलर सॉन्ग्स वर इंस्पायर्ड फ्रॉम अदर। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि जो बेटा फिल्म है उसको मतलब ऐसे ट्रीट किया जाना चाहिए कि जैसे कि वो माधुरी दीक्षित उसमें हावी रही हो एक्टिंग में, या ऐसे कह सकते हैं कि जो माधुरी दीक्षित है उनका जो रोल है वो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं दमदार रहा था अनिल कपूर के रोल के ऊपर, इनको ऐसा लगता है। और अनिल कपूर, जबकि अनिल कपूर का जो कैरेक्टर है उसको लिखा गया था इस कहानी में और उसको बनाया गया था कि हाँ वो दमदार लगे, लेकिन हुआ ऐसा नहीं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक और फिल्म की, बेटा, जो कि 1992 की हिंदी भाषा की भारतीय फिल्म है। इसको डायरेक्ट किया गया था इंद्र कुमार द्वारा और इसको लिखा गया था नौशीर खटाऊ द्वारा, और कमलेश पांडे ने भी इसमें थोड़ा बहुत हाथ जो है वो बटाया था इसको के लिखने में। इस फिल्म में जो हीरो की भूमिका में है या जो लीड रोल में है वो है अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित और अरुणा ईरानी, इन्होंने यहाँ पर मुख्य भूमिका निभाई है। अगर बात करें इसके पटकथा लिखने की, तो इस फिल्म की जो पटकथा है वो लिखी गई है ज्ञानदेव, अग्निहोत्री, राजीव कौल और प्रफुल्ल पारेख ने। ये तीन आदमियों ने इस फिल्म का जो स्क्रीन प्ले है, ये कह सकते हैं कि जो एक एक लाइन, डायलॉग बाय डायलॉग, जो भी एक एक कैरेक्टर ने, जो भी एक एक अभिनेता ने बोला है, वो सब कुछ इन्होंने पहले लिखा था। क्योंकि हर फिल्म से पहले ये लिखा जाता है कि किस सीन में कौन सा हीरो, कौन सा कैरेक्टर, कौन सा अभिनेता क्या बोलने वाला है, तो वो सब चीजें लिखी जाती हैं। शब्द, एक एक शब्द जो है वो लिखा जाता है, उसका डायलॉग्स लिखे जाते हैं। तो वो सब जो लिखा गया था वो ज्ञानदेव, अग्निहोत्री, राजीव कौल और प्रफुल्ल पारेख ने लिखा था। इस फिल्म की जो स्टोरी है वो लिखी थी के भाग्यराज ने, और इस फिल्म का जो निर्माण है यानी कि इसमें जो पैसा लगाया था वो लगाया था इंद्र कुमार और अशोक ठाकेरिया ने। जैसा कि हमने बात की है, इस फिल्म में जो स्टार्स हैं, जो मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, वो अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित हैं और अरुणा ईरानी भी है, लेकिन इन्हीं के साथ में दो और आप मान लीजिए अभिनेता हैं जो कि इस फिल्म में लगभग लगभग पूरी तरीके से तो नहीं कह सकते लेकिन मुख्य भूमिका में ही है, उनके बिना तो ये फिल्म नहीं बन सकती थी, लक्ष्मीकांत बर्दे और अनुपम खेर। अगर बात करें इस फिल्म के फोटोग्राफी की, यानी कि इसमें जो है कैमरा किसने चलाया है, तो वो है बाबा आजमी ने। और इस फिल्म का जो एडिशन है, यानी कि जो वीडियो बन गई, जो कैमरे से वीडियोस बनाई गई, जो कैमरे से रिकॉर्डिंग की गई, उस रिकॉर्डिंग को बाद में एडिट कर कर एक फिल्म का अवतार देना, वो सब जो काम किया है वो किया है हुसैन ए बुरमावाला ने। और इस फिल्म में जो म्यूजिक है, यानी कि जो ताल बनाई गई है ढोलक की और हारमोनियम की और जितने भी और ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जितने भी उपकरण होते हैं, तो वो किया गया है आनंद मिलिंद द्वारा, आनंद मिलिंद नाम है उनका। और इस फिल्म की जो प्रोडक्शन कंपनी है, यानी कि किस कंपनी ने इसमें पैसा लगाया है, एक तो आदमी होता है जो कि इसमें पैसा लगाता है, साथ ही साथ एक कंपनी भी होती है, कुछ स्पॉन्सर्स करते हैं, मतलब एक आदमी तो मिलकर अकेला पैसा नहीं लगा सकता ना, तो कुछ कुछ अलग अलग जगहों पर जो है, क्योंकि एक कॉम्बिनेशन बनता है, जैसे आप कह सकते हैं कि एक तो मालिक होता है उसका जो कि सारा पैसा लगाता है, अगर कुछ भी खर्चा होता है तो वो लगाता है, लेकिन कुछ जगहों पर जैसे कि ड्रेस का काम है या फिर गाड़ियों का काम है, उसमें मान लीजिए कोई कंपनी आ जाएगी जो कि पैसा लगाएगी। तो इस तरीके से मारुति इंटरनेशनल ने भी इसमें पैसा लगाया था। और इस फिल्म की जो रिलीज डेट थी वो थी 3 अप्रैल 1992। इस फिल्म का जो रनिंग टाइम था, यानी कि कितनी देर तक ये फिल्म चलेगी, कितनी देर की ये फिल्म थी, तो वो थी 172 मिनट। यानी कि अगर बात करें तो 3 घंटे से सिर्फ 8 मिनट कम, 2 घंटे 52 मिनट की ये फिल्म थी। काफी बड़ी फिल्म थी।
लेकिन पता ही नहीं चलता था ना, क्योंकि फिल्म इतनी मज़ेदार हुआ करती थी, फिल्मों में इतने गाने हुआ करते थे, सब कुछ इतना मज़ेदार था। अब की फिल्में शुरू होती हैं तो लगता है कि यार ये कब ख़त्म होगी, लेकिन पहले की फिल्में शुरू होते ही ख़त्म हो जाया करती थी, पता ही नहीं चलता था। तो यही फ़र्क है दोनों में। इस फिल्म का एक रीमेक भी बना था 1987 में, जो कि तमिल मूवी है, एक एनगा चिन्ना रासा। अब देखिए नाम तो मैं अगर सही ले रहा हूँ या नहीं ले रहा हूँ इस बात का तो मुझे नहीं पता है, लेकिन ये 1987 में बनी थी तमिल फिल्म में, तमिल लैंग्वेज में ये बनी थी, तमिल भाषा में ये बनी थी फिल्म। और इसका ऑफिशियल था, मतलब कि जो इसके प्रोड्यूसर्स थे, जो इसके राइटर्स थे, जो इसके लेखक थे, उन्होंने ही उसका जो बनाने की परमिशन थी, आज्ञा थी, वो दी थी तमिल प्रोड्यूसर्स को, और तमिल भाषा में ये फिल्म बनी थी, जिसका नाम रहा था ना, ये तमिल फिल्म की रीमेक थी, तमिल फिल्म जो बनी थी वो इसकी रीमेक नहीं थी। तो ये प्रथा चली आ रही है कि तमिल से कुछ जो फिल्में हैं वो उठाते हैं बॉलीवुड वाले और उसको बना डालते हैं अगर उनको अच्छी लगती है। और बात करें अगर बेटा की, तो इसने कितना जो है सक्सेस पाई थी बॉक्स ऑफिस पर, इसने कितना कलेक्शन किया था बॉक्स ऑफिस पर, इसने कितनी कमाई की थी, अगर इसकी बात करें तो ये सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बनी थी 1992 की, 1992 की ये सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। इस फिल्म ने 5 फिल्म फेयर अवार्ड्स जीते थे, 5 अवार्ड्स। कपूर यानी कि अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित ने जो है बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता था। अनिल कपूर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था माधुरी दीक्षित को। अनुराधा पौडवाल ने भी बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड यहां पर जीता था, क्योंकि उन्होंने इस फिल्म के गाने जो है वो गाए हैं, तो इसलिए उनको बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला था। और जिस गाने के लिए मिला था वो गाना था धक धक करने लगा। और सरोज खान ने फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट कोरियोग्राफी का अवार्ड जीता था, फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट कोरियोग्राफी, यानी कि जो डांस स्टेप्स होते हैं, जो नाचने का तरीका होता है, उसके लिए जो अवार्ड मिला था वो सरोज खान ने जीता था। और बेस्ट प्लेबैक फीमेल सिंगर का मीनिंग है कि जो गाना गाया था, जो गायिका है उनका बेस्ट गायिका या सबसे अच्छी गायिका का जो अवार्ड है वो अनुराधा पौडवाल को मिला था। ऐसे ही जो ईरानी हैं उन्होंने इसमें इस फिल्म के से एक अवार्ड जीता था, जिसको कहते हैं बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस, यानी कि सहायक भूमिका में जो अभिनेत्री रही थी उसका अवार्ड इन्होंने जीता था। बात करें इस फिल्म की कहानी की, तो राजू जो कि अनिल कपूर यहाँ पर निभा रहे हैं किरदार, राजू एक बेटा है बड़े से लैंडलॉर्ड का, या जिसको कहें जमींदार का बेटा है, बड़े जमींदार का बेटा है, जिसका नाम है प्रेम। और प्रेम का यहाँ पर किरदार निभाया है आकाश खुराना ने। राजू की जो माँ है वो बचपन में ही मर जाती है जब उसका जन्म होता है, और राजू को बहुत इस चीज का दुख रहता है। जब राजू का 5वां जन्मदिन होता है, प्रेम ने वादा किया था कि 5वें जन्मदिन पर उसको एक नई माँ मिलेगी, यानी कि वो शादी करने वाला होता है, और वो ये उम्मीद करता है कि वो उसका ख्याल रखेगी, राजू का जो है वो ख्याल रखेगी। लेकिन लक्ष्मी जो कि नई माँ बनकर आती है राजू की, वो थोड़ी सी लालची हो जाती है और वो उसका ख्याल इतना नहीं रखती, वो सिर्फ और सिर्फ पैसे के पीछे, प्रॉपर्टी के पीछे भागती है जो कि उस राजू के बाप की होती है, यानी कि प्रेम की। अगर बात करें इस फिल्म की रेटिंग्स की, तो इस फिल्म की जो रेटिंग है वो 6.3 रही थी 10 में से, जो कि अब रेटिंग दी जाती है
नए जमाने में, तो उस हिसाब से ये फिल्म काफ़ी नई फिल्मों के मुकाबले बहुत ही अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। यानी कि 10 में से 6.3 स्टार मिलना काफ़ी बड़ी बात होती है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस फिल्म को 5 में से 3.3 स्टार दिए थे, यानी कि 5 में से 3.3 अंक इसको प्राप्त हुए थे। अगर बात करें इसकी ऑडियंस रेटिंग की, या फिर जो अब जैसे क्योंकि ये ऑनलाइन का ज़माना है तो ऑनलाइन में सबको रेटिंग दी जाती है, सब फिल्मों को जो है ये बताया जाता है कि ये मुझे कितनी अच्छी लगी, सब देखने वाले इसका रिव्यू करते हैं, सब बताते हैं कि मुझे कैसी फिल्म लगी। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो उनको दिए जाते हैं, इस फिल्म को दिए जाते हैं 4.4 स्टार्स 5 में से। यानी कि लगभग हर एक व्यक्ति ने 5 में से इसको 4.5 नंबर दिए हैं। 5 में से 4.5 नंबर देना काफ़ी बड़ी बात है इस फिल्म के लिए। लगभग सभी लोगों को ये पसंद आई है, इसका मतलब ये है। और बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में बहुत कुछ लिखा भी है। अगर बात करें एक दो रिव्यू पढ़ने की तो वो भी हम कर लेते हैं। एक ने लिखा है, लव्ड द कंटेंट एंड लव्ड द एक्टिंग ऑफ द ऑल द एक्टर्स, अनिल कपूर एंड अरुणा ईरानी एंड बहुत सारी चीज़ें आगे लिखी हैं। तो इनका कहने का मतलब ये है कि हमें जो इसका अंदर का कंटेंट है, जो इसकी कहानी है, वो बहुत अच्छी लगी, और हमें जो एक्टिंग है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, एक्टर्स की अभिनय जो हमें बहुत अच्छा लगा, अभिनेताओं का, अनिल कपूर का और अरुणा ईरानी के लिए उन्होंने बहुत सारा प्यार लिखा है। साथ में उन्होंने आगे लिखा है, वेरी नाइस मूवी, लव द कंटेंट एंड लव द एक्टिंग ऑफ ऑल द एक्टर्स। सेम वही बातें उन्होंने दोबारा लिखी है, द म्यूजिक ऑफ धक धक करने लगा, इज कंपोज्ड बाय इलिया राजा इन तेलुगु, हाउ कैन द क्रेडिट गो टू आनंद मिलिंद। बस उनको ये थोड़ा सा यहाँ पर जिसको कहें नाराजगी है कि जो धक धक करने लगा का जो कंपोजिशन है, जो म्यूजिक बनाया है, जो संगीत बनाया है, वो तेलुगु फिल्म के जो कंपोजर हैं या तेलुगु फिल्म के जो संगीतकार हैं उन्होंने बनाया है, तो फिर आनंद मिलिंद को ये कैसे जाता है इसका वो क्रेडिट। कुछ लोगों की अलग अलग रिव्यूज होते हैं तो उनमें से ये एक था। अगला पढ़ते हैं तो अगले यूजर ने लिखा है, वेरी नाइस मूवी, लव्ड द कंटेंट, सेम वही बातें, लव्ड द एक्टिंग ऑफ ऑल एक्टर्स, अनिल कपूर एंड अरुणा ईरानी, यू आर टू गुड। यानी उन्होंने लिखा है कि बहुत अच्छी पिक्चर है, बहुत अच्छी फिल्म है, हमें इसका जो कहानी है वो पसंद आई, और सभी जो एक्टर्स की एक्टिंग है वो काफ़ी अच्छी है। तो ये सब यहाँ पर आपको मतलब बहुत सारे मैंने रिव्यूज़ आपको बताए हैं कि क्या क्या इसमें लोगों ने अपने रिव्यू लिखे हैं, वो सब मैंने आपको यहाँ पर बताया है। एक और रिव्यू पढ़ लेते हैं हम। बेटा इज ट्रीट फॉर माधुरी लवर्स, सी डोमिनेटेड अनिल कपूर डिस्पाइट द स्टोरी लाइन फेवर्ड अनिल्स कैरेक्टर, अरुणा ईरानी वॉज ब्रिलियंट एज यूजल, सॉन्ग्स वर गुड एंड ऑल पॉपुलर सॉन्ग्स वर इंस्पायर्ड फ्रॉम अदर। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि जो बेटा फिल्म है उसको मतलब ऐसे ट्रीट किया जाना चाहिए कि जैसे कि वो माधुरी दीक्षित उसमें हावी रही हो एक्टिंग में, या ऐसे कह सकते हैं कि जो माधुरी दीक्षित है उनका जो रोल है वो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं दमदार रहा था अनिल कपूर के रोल के ऊपर, इनको ऐसा लगता है। और अनिल कपूर, जबकि अनिल कपूर का जो कैरेक्टर है उसको लिखा गया था इस कहानी में और उसको बनाया गया था कि हाँ वो दमदार लगे, लेकिन हुआ ऐसा नहीं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक और फिल्म की, बेटा, जो कि 1992 की हिंदी भाषा की भारतीय फिल्म है। इसको डायरेक्ट किया गया था इंद्र कुमार द्वारा और इसको लिखा गया था नौशीर खताऊ द्वारा, और कमलेश पांडे ने भी इसमें थोड़ा बहुत हाथ जो है वो बटाया था इसको के लिखने में। इस फिल्म में जो हीरो की भूमिका में है, जो लीड रोल में है, वो है अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित और अरुणा ईरानी।
इन्होंने यहाँ पर मुख्य भूमिका निभाई है। अगर बात करें इसके पटकथा लिखने की, तो इस फिल्म की जो पटकथा है वो लिखी गई है ज्ञानदेव, अग्निहोत्री, राजीव कौल और प्रफुल्ल पारेख ने। ये तीन आदमियों ने इस फिल्म का जो स्क्रीन प्ले है, ये कह सकते हैं कि जो एक एक लाइन, डायलॉग बाय डायलॉग, जो भी एक एक कैरेक्टर ने, जो भी एक एक अभिनेता ने बोला है, वो सब कुछ इन्होंने पहले लिखा था। क्योंकि हर फिल्म से पहले ये लिखा जाता है कि किस सीन में कौन सा हीरो, कौन सा कैरेक्टर, कौन सा अभिनेता क्या बोलने वाला है, तो वो सब चीज़ें लिखी जाती हैं। शब्द, एक एक शब्द जो है वो लिखा जाता है, उसका डायलॉग्स लिखे जाते हैं। तो वो सब जो लिखा गया था वो ज्ञानदेव, अग्निहोत्री, राजीव कौल और प्रफुल्ल पारेख ने लिखा था। इस फिल्म की जो स्टोरी है वो लिखी थी के भाग्यराज ने, और इस फिल्म का जो निर्माण है, यानी कि इसमें जो पैसा लगाया था, वो लगाया था इंद्र कुमार और अशोक ठाकेरिया ने। जैसा कि हमने बात की है, इस फिल्म में जो स्टार्स हैं, जो मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, वो अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित हैं, और अरुणा ईरानी भी है। लेकिन इन्हीं के साथ में दो और आप मान लीजिए अभिनेता हैं, जो कि इस फिल्म में लगभग लगभग पूरी तरीके से तो नहीं कह सकते, लेकिन मुख्य भूमिका में ही हैं। उनके बिना तो ये फिल्म नहीं बन सकती थी। लक्ष्मीकांत बर्दे और अनुपम खेर। अगर बात करें इस फिल्म के फोटोग्राफी की, यानी कि इसमें जो है कैमरा किसने चलाया है, तो वो है बाबा आजमी ने। और इस फिल्म का जो एडिशन है, यानी कि जो वीडियो बन गई, जो कैमरे से वीडियोस बनाई गई, जो कैमरे से रिकॉर्डिंग की गई, उस रिकॉर्डिंग को बाद में एडिट कर कर एक फिल्म का अवतार देना, वो सब जो काम किया है वो किया है हुसैन एव बुरमावाला ने। और इस फिल्म में जो म्यूजिक है, यानी कि जो ताल बनाई गई है ढोलक की और हारमोनियम की और जितने भी और ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जितने भी उपकरण होते हैं, तो वो किया गया है आनंद मिलिंद द्वारा। आनंद मिलिंद नाम है उनका। और इस फिल्म की जो प्रोडक्शन कंपनी है, यानी कि किस कंपनी ने इसमें पैसा लगाया है, एक तो आदमी होता है जो कि इसमें पैसा लगाता है, साथ ही साथ एक कंपनी भी होती है, कुछ स्पॉन्सर्स करते हैं। मतलब एक आदमी तो मिलकर अकेला पैसा नहीं लगा सकता ना, तो कुछ कुछ अलग अलग जगहों पर जो है, क्योंकि एक कॉम्बिनेशन बनता है, जैसे आप कह सकते हैं कि एक तो मालिक होता है उसका, जो कि सारा पैसा लगाता है, अगर कुछ भी खर्चा होता है तो वो लगाता है, लेकिन कुछ जगहों पर जैसे कि ड्रेस का काम है या फिर गाड़ियों का काम है, उसमें मान लीजिए कोई कंपनी आ जाएगी जो कि पैसा लगाएगी। तो इस तरीके से मारुति इंटरनेशनल ने भी इसमें पैसा लगाया था। और इस फिल्म की जो रिलीज डेट थी वो थी 3 अप्रैल 1992। इस फिल्म का जो रनिंग टाइम था, यानी कि कितनी देर तक ये फिल्म चलेगी, कितनी देर की ये फिल्म थी, तो वो थी 172 मिनट। यानी कि अगर बात करें तो 3 घंटे से सिर्फ 8 मिनट कम, 2 घंटे 52 मिनट की ये फिल्म थी। काफी बड़ी फिल्म थी, लेकिन पता ही नहीं चलता था ना, क्योंकि फिल्म इतनी मजेदार हुआ करती थी, फिल्मों में इतने गाने हुआ करते थे, सब कुछ इतना मजेदार था। अब की फिल्में शुरू होती हैं तो लगता है कि यार ये कब खत्म होंगी, लेकिन पहले की फिल्में शुरू होते ही खत्म हो जाया करती थी, पता ही नहीं चलता था। तो यही फर्क है दोनों में। इस फिल्म का एक रीमेक भी बना था 1987 में, जो कि तमिल मूवी है, एक एनगा चिन्ना रासा। अब देखिए नाम तो मैं अगर सही ले रहा हूँ या नहीं ले रहा हूँ इस बात का तो मुझे नहीं पता है, लेकिन ये 1987 में बनी थी तमिल फिल्म में, तमिल लैंग्वेज में ये बनी थी, तमिल भाषा में ये बनी थी फिल्म। और इसका ऑफिशियल था, मतलब कि जो इसके प्रोड्यूसर्स थे, जो इसके राइटर्स थे, जो इसके लेखक थे, उन्होंने ही उसका जो बनाने की परमिशन थी, आज्ञा थी, वो दी थी तमिल प्रोड्यूसर्स को। और तमिल भाषा में ये फिल्म बनी थी, इसका नाम रहा था, ये तमिल फिल्म की रीमेक थी, तमिल फिल्म जो बनी थी वो इसकी रीमेक नहीं थी। तो ये प्रथा चली आ रही है कि तमिल से कुछ जो फिल्में हैं वो उठाते हैं बॉलीवुड वाले और उसको बना डालते हैं अगर उनको अच्छी लगती है। और बात करें अगर बेटा की, तो इसने कितना जो है सक्सेस पाई थी बॉक्स ऑफिस पर, इसने कितना कलेक्शन किया था बॉक्स ऑफिस पर, इसने कितनी कमाई की थी, अगर इसकी बात करें तो ये सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बनी थी 1992 की।
1992 की ये सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। इस फिल्म ने 5 फिल्म फेयर अवार्ड्स जीते थे, 5 अवार्ड्स। कपूर यानी कि अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित ने जो है बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता था। अनिल कपूर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था माधुरी दीक्षित को। अनुराधा पौडवाल ने भी बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड यहां पर जीता था, क्योंकि उन्होंने इस फिल्म के गाने जो हैं वो गाए हैं, तो इसलिए उनको बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला था। और जिस गाने के लिए मिला था वो गाना था धक धक करने लगा। और सरोज खान ने फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट कोरियोग्राफी का अवार्ड जीता था, फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट कोरियोग्राफी यानी कि जो डांस स्टेप्स होते हैं, जो नाचने का तरीका होता है, उसके लिए जो अवार्ड मिला था वो सरोज खान ने जीता था। और बेस्ट प्लेबैक फीमेल सिंगर का मीनिंग है कि जो गाना गाया था, जो गायिका है उनका बेस्ट गायिका या सबसे अच्छी गायिका का जो अवार्ड है वो अनुराधा पौडवाल को मिला था। ऐसी ही जो ईरानी है उन्होंने इसमें इस फिल्म के से एक अवार्ड जीता था जिसको कहते हैं बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस, यानी कि सहायक भूमिका में जो अभिनेत्री रही थी उसका अवार्ड इन्होंने जीता था। बात करें इस फिल्म की कहानी की तो राजू, जो कि अनिल कपूर यहां पर निभा रहे हैं किरदार, राजू एक बेटा है बड़े से लैंडलॉर्ड का, या जिसको कहें जमींदार का बेटा है, बड़े जमींदार का बेटा है जिसका नाम है प्रेम। और प्रेम का यहां पर किरदार निभाया है आकाश खुराना ने। राजू की जो माँ है वो बचपन में ही मर जाती है जब उसका जन्म होता है, और राजू को बहुत इस चीज का दुख रहता है। जब राजू का 5वां जन्मदिन होता है, प्रेम ने वादा किया था कि 5वें जन्मदिन पर उसको एक नई माँ मिलेगी, यानी कि वो शादी करने वाला होता है, और वो ये उम्मीद करता है कि वो उसका ख्याल रखेगी, राजू का जो है वो ख्याल रखेगी। लेकिन लक्ष्मी जो कि नई माँ बनकर आती है राजू की, वो थोड़ी सी लालची हो जाती है और वो उसका ख्याल इतना नहीं रखती। वो सिर्फ और सिर्फ पैसे के पीछे, प्रॉपर्टी के पीछे भागती है जो कि उस राजू के बाप की होती है, यानी कि प्रेम की। अगर बात करें इस फिल्म की रेटिंग्स की तो इस फिल्म की जो रेटिंग है वो 6.3 रही थी 10 में से, जो कि अब रेटिंग दी जाती है नए जमाने में, तो उस हिसाब से ये फिल्म काफी नई फिल्मों के मुकाबले बहुत ही अच्छी है, बहुत ही ज्यादा अच्छी है। यानी कि 10 में से 6.3 स्टार मिलना काफी बड़ी बात होती है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस फिल्म को 5 में से 3.3 स्टार दिए थे, यानी कि 5 में से 3.3 अंक इसको प्राप्त हुए थे। अगर बात करें इसकी ऑडियंस रेटिंग की, या फिर जो अब जैसे क्योंकि ये ऑनलाइन का जमाना है तो ऑनलाइन में सबको रेटिंग दी जाती है, सब फिल्मों को जो है ये बताया जाता है कि ये मुझे कितनी अच्छी लगी, सब देखने वाले इसका रिव्यू करते हैं, सब बताते हैं कि मुझे कैसी फिल्म लगी, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो उनको दिए जाते हैं, इस फिल्म को दिए जाते हैं 4.4 स्टार्स 5 में से, यानी कि लगभग हर एक व्यक्ति ने 5 में से इसको 4.5 नंबर दिए हैं। 5 में से 4.5 नंबर देना काफी बड़ी बात है इस फिल्म के लिए। लगभग सभी लोगों को ये पसंद आई है, इसका मतलब ये है। और बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में बहुत कुछ लिखा भी है। अगर बात करें एक दो रिव्यू पढ़ने की तो वो भी हम कर लेते हैं। एक ने लिखा है, लव्ड द कंटेंट एंड लव्ड द एक्टिंग ऑफ द ऑल द एक्टर्स अनिल कपूर एंड अरुणा ईरानी एंड बहुत सारी चीजें आगे लिखी हैं।
तो इनका कहने का मतलब यह है कि हमें जो इसका अंदर का कंटेंट है, जो इसकी कहानी है, वो बहुत अच्छी लगी, और हमें जो एक्टिंग है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, एक्टर्स की अभिनय जो हमें बहुत अच्छा लगा, अभिनेताओं का, अनिल कपूर का और अरुणा ईरानी के लिए उन्होंने बहुत सारा प्यार लिखा है। साथ में उन्होंने आगे लिखा है, वेरी नाइस मूवी, लव द कंटेंट एंड लव द एक्टिंग ऑफ ऑल द एक्टर्स। सेम वही बातें उन्होंने दोबारा लिखी है, द म्यूजिक ऑफ धक धक करने लगा, इज कंपोज्ड बाय इलिया राजा इन तेलुगु, हाउ कैन द क्रेडिट गो टू आनंद मिलिंद। बस उनको ये थोड़ा सा यहाँ पर जिसको कहें नाराजगी है कि जो धक धक करने लगा का जो कंपोजिशन है, जो म्यूजिक बनाया है, जो संगीत बनाया है, वो तेलुगु फिल्म के जो कंपोजर हैं या तेलुगु फिल्म के जो संगीतकार हैं उन्होंने बनाया है, तो फिर आनंद मिलिंद को ये कैसे जाता है इसका वो क्रेडिट। कुछ लोगों की अलग अलग रिव्यूज होते हैं, तो उनमें से ये एक था। अगला पढ़ते हैं, तो अगले यूजर ने लिखा है, वेरी नाइस मूवी, लव द कंटेंट, सेम वही बातें, लव द एक्टिंग ऑफ ऑल एक्टर्स, अनिल कपूर एंड अरुणा ईरानी, यू आर टू गुड। यानी कि उन्होंने लिखा है कि बहुत अच्छी पिक्चर है, बहुत अच्छी फिल्म है, हमें इसका जो कहानी है वो पसंद आई, और सभी जो एक्टर्स की एक्टिंग है वो काफ़ी अच्छी है। तो ये सब यहाँ पर आपको मतलब बहुत सारे मैंने रिव्यूज़ आपको बताए हैं कि क्या क्या इसमें लोगों ने अपने रिव्यू लिखे हैं, वो सब मैंने आपको यहाँ पर बताया है। एक और रिव्यू पढ़ लेते हैं हम, बेटा इज ट्रीट फॉर माधुरी लवर्स, सी डोमिनेटेड अनिल कपूर डिस्पाइट द स्टोरी लाइन फेवर्ड अनिल्स कैरेक्टर, अरुणा ईरानी वॉज ब्रिलियंट एज यूजल, सॉन्ग्स वर गुड एंड ऑल पॉपुलर सॉन्ग्स वर इंस्पायर्ड फ्रॉम अदर। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि जो बेटा फिल्म है उसको मतलब ऐसे ट्रीट किया जाना चाहिए कि जैसे कि वो माधुरी दीक्षित उसमें हावी रही हो एक्टिंग में, या ऐसे कह सकते हैं कि जो माधुरी दीक्षित है उनका जो रोल है वो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं दमदार रहा था अनिल कपूर के रोल के ऊपर, इनको ऐसा लगता है। और अनिल कपूर, जबकि अनिल कपूर का जो कैरेक्टर है उसको लिखा गया था इस कहानी में और उसको बनाया गया था कि हाँ वो दमदार लगे, लेकिन हुआ ऐसा नहीं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक और फिल्म की, बेटा, जो कि 1992 की हिंदी भाषा की भारतीय फिल्म है। इसको डायरेक्ट किया गया था इंद्र कुमार द्वारा और इसको लिखा गया था नौशीर खटाऊ द्वारा, और कमलेश पांडे ने भी इसमें थोड़ा बहुत हाथ जो है वो बटाया था इसको के लिखने में। इस फिल्म में जो हीरो की भूमिका में है या जो लीड रोल में है वो है अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित और अरुणा ईरानी, इन्होंने यहाँ पर मुख्य भूमिका निभाई है। अगर बात करें इसके पटकथा लिखने की, तो इस फिल्म की जो पटकथा है वो लिखी गई है ज्ञानदेव अग्निहोत्री, राजीव कौल और प्रफुल्ल पारेख ने। ये तीन आदमियों ने इस फिल्म का जो स्क्रीन प्ले है, ये कह सकते हैं कि जो एक एक लाइन, डायलॉग बाय डायलॉग, जो भी एक एक कैरेक्टर ने, जो भी एक एक अभिनेता ने बोला है, वो सब कुछ इन्होंने पहले लिखा था। क्योंकि हर फिल्म से पहले ये लिखा जाता है कि किस सीन में कौन सा हीरो, कौन सा कैरेक्टर, कौन सा अभिनेता क्या बोलने वाला है, तो वो सब चीजें लिखी जाती हैं। शब्द, एक एक शब्द जो है वो लिखा जाता है, उसका डायलॉग्स लिखे जाते हैं। तो वो सब जो लिखा गया था वो ज्ञानदेव अग्निहोत्री, राजीव कौल और प्रफुल्ल पारेख ने लिखा था। इस फिल्म की जो स्टोरी है वो लिखी थी के भाग्यराज ने, और इस फिल्म का जो निर्माण है यानी कि इसमें जो पैसा लगाया था वो लगाया था इंद्र कुमार और अशोक ठाकेरिया ने। जैसा कि हमने बात की है, इस फिल्म में जो स्टार्स हैं, जो मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, वो अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित हैं और अरुणा ईरानी भी है, लेकिन इन्हीं के साथ में दो और आप मान लीजिए अभिनेता हैं जो कि इस फिल्म में लगभग लगभग
पूरी तरीके से तो नहीं कह सकते, लेकिन मुख्य भूमिका में ही हैं, उनके बिना तो ये फिल्म नहीं बन सकती थी, लक्ष्मीकांत बर्दे और अनुपम खेर। अगर बात करें इस फिल्म के फोटोग्राफी की, यानी कि इसमें जो है कैमरा किसने चलाया है, तो वो है बाबा आजमी ने। और इस फिल्म का जो एडिशन है, यानी कि जो वीडियो बन गई, जो कैमरे से वीडियोस बनाई गई, जो कैमरे से रिकॉर्डिंग की गई, उस रिकॉर्डिंग को बाद में एडिट कर कर एक फिल्म का अवतार देना, वो सब जो काम किया है वो किया है हुसैन ए बुरमावाला ने। और इस फिल्म में जो म्यूजिक है, यानी कि जो ताल बनाई गई हैं ढोलक की और हारमोनियम की और जितने भी और ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जितने भी उपकरण होते हैं, तो वो किया गया है आनंद मिलिंद द्वारा। आनंद मिलिंद नाम है उनका। और इस फिल्म की जो प्रोडक्शन कंपनी है, यानी कि किस कंपनी ने इसमें पैसा लगाया है, एक तो आदमी होता है जो कि इसमें पैसा लगाता है, साथ ही साथ एक कंपनी भी होती है, कुछ स्पॉन्सर्स करते हैं, मतलब एक आदमी तो मिलकर अकेला पैसा नहीं लगा सकता ना, तो कुछ कुछ अलग अलग जगहों पर जो है, क्योंकि एक कॉम्बिनेशन बनता है, जैसे आप कह सकते हैं कि एक तो मालिक होता है उसका जो कि सारा पैसा लगाता है, अगर कुछ भी खर्चा होता है तो वो लगाता है, लेकिन कुछ जगहों पर जैसे कि ड्रेस का काम है या फिर गाड़ियों का काम है, उसमें मान लीजिए कोई कंपनी आ जाएगी जो कि पैसा लगाएगी। तो इस तरीके से मारुति इंटरनेशनल ने भी इसमें पैसा लगाया था। और इस फिल्म की जो रिलीज डेट थी वो थी 3 अप्रैल 1992। इस फिल्म का जो रनिंग टाइम था, यानी कि कितनी देर तक ये फिल्म चलेगी, कितनी देर की ये फिल्म थी, तो वो थी 172 मिनट, यानी कि अगर बात करें तो 3 घंटे से सिर्फ 8 मिनट कम, 2 घंटे 52 मिनट की ये फिल्म थी। काफी बड़ी फिल्म थी, लेकिन पता ही नहीं चलता था ना, क्योंकि फिल्म इतनी मजेदार हुआ करती थी, फिल्मों में इतने गाने हुआ करते थे, सब कुछ इतना मजेदार था। अब की फिल्में शुरू होती हैं तो लगता है कि यार ये कब खत्म होंगी, लेकिन पहले की फिल्में शुरू होते ही खत्म हो जाया करती थी, पता ही नहीं चलता था। तो यही फर्क है दोनों में। इस फिल्म का एक रीमेक भी बना था 1987 में, जो कि तमिल मूवी है, एक एनगा चिन्ना रासा। अब देखिए नाम तो मैं अगर सही ले रहा हूँ या नहीं ले रहा हूँ इस बात का तो मुझे नहीं पता है, लेकिन ये 1987 में बनी थी तमिल फिल्म में, तमिल लैंग्वेज में ये बनी थी, तमिल भाषा में ये बनी थी फिल्म। और इसका ऑफिशियल था, मतलब कि जो इसके प्रोड्यूसर्स थे, जो इसके राइटर्स थे, जो इसके लेखक थे, उन्होंने ही उसका जो बनाने की परमिशन थी, आज्ञा थी, वो दी थी तमिल प्रोड्यूसर्स को। और तमिल भाषा में ये फिल्म बनी थी, जिसका नाम रहा था, ये तमिल फिल्म की रीमेक थी, तमिल फिल्म जो बनी थी वो इसकी रीमेक नहीं थी। तो ये प्रथा चली आ रही है कि तमिल से कुछ जो फिल्में हैं वो उठाते हैं बॉलीवुड वाले और उसको बना डालते हैं अगर उनको अच्छी लगती है। और बात करें अगर बेटा की, तो इसने कितना जो है सक्सेस पाई थी बॉक्स ऑफिस पर, इसने कितना कलेक्शन किया था बॉक्स ऑफिस पर, इसने कितनी कमाई की थी, अगर इसकी बात करें तो ये सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बनी थी 1992 की ये सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। इस फिल्म ने 5 फिल्मफेयर अवार्ड्स जीते थे, 5 अवार्ड्स। कपूर यानी कि अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित ने जो है बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता था। अनिल कपूर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था माधुरी दीक्षित को। अनुराधा पौडवाल ने भी बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड यहां पर जीता था, क्योंकि उन्होंने इस फिल्म के गाने जो है वो गाए हैं, तो इसलिए उनको बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला था। और जिस गाने के लिए मिला था वो गाना था धक धक करने लगा। और सरोज खान ने फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट कोरियोग्राफी का अवार्ड जीता था, फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट कोरियोग्राफी, यानी कि जो डांस स्टेप्स होते हैं, जो नाचने का तरीका होता है, उसके लिए जो अवार्ड मिला था वो सरोज खान ने जीता था। और बेस्ट प्लेबैक फीमेल सिंगर का मीनिंग है कि जो गाना गाया था, जो गायिका है उनका बेस्ट गायिका या सबसे अच्छी गायिका का जो अवार्ड है वो अनुराधा पौडवाल को मिला था। ऐसे ही जो ईरानी हैं, उन्होंने इसमें इस फिल्म के से एक अवार्ड जीता था जिसको कहते हैं बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस,
यानी कि सहायक भूमिका में जो अभिनेत्री रही थी उसका अवॉर्ड इन्होंने जीता था। बात करें इस फिल्म की कहानी की, तो राजू जो कि अनिल कपूर यहाँ पर निभा रहे हैं किरदार, राजू एक बेटा है बड़े से लैंडलॉर्ड का, जिसको कहें जमींदार का बेटा है, बड़े जमींदार का बेटा है जिसका नाम है प्रेम, और प्रेम का यहाँ पर किरदार निभाया है आकाश खुराना ने। राजू की जो माँ है वो बचपन में ही मर जाती है जब उसका जन्म होता है, और राजू को बहुत इस चीज का दुख रहता है। जब राजू का 5वां जन्मदिन होता है, प्रेम ने वादा किया था कि 5वें जन्मदिन पर उसको एक नई माँ मिलेगी, यानी कि वो शादी करने वाला होता है, और वो ये उम्मीद करता है कि वो उसका ख्याल रखेगी, राजू का जो है वो ख्याल रखेगी। लेकिन लक्ष्मी जो कि नई माँ बनकर आती है राजू की, वो थोड़ी सी लालची हो जाती है और वो उसका ख्याल इतना नहीं रखती, वो सिर्फ और सिर्फ पैसे के पीछे, प्रॉपर्टी के पीछे भागती है जो कि उस राजू के बाप की होती है, यानी कि प्रेम की। अगर बात करें इस फिल्म की रेटिंग्स की, तो इस फिल्म की जो रेटिंग है वो 6.3 रही थी 10 में से, जो कि अब रेटिंग दी जाती है नए जमाने में, तो उस हिसाब से ये फिल्म काफी नई फिल्मों के मुकाबले बहुत ही अच्छी है, बहुत ही ज्यादा अच्छी है, यानी कि 10 में से 6.3 स्टार मिलना काफी बड़ी बात होती है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस फिल्म को 5 में से 3.3 स्टार दिए थे, यानी कि 5 में से 3.3 अंक इसको प्राप्त हुए थे। अगर बात करें इसकी ऑडियंस रेटिंग की, या फिर जो अब जैसे क्योंकि ये ऑनलाइन का जमाना है तो ऑनलाइन में सबको रेटिंग दी जाती है, सब फिल्मों को जो है ये बताया जाता है कि ये मुझे कितनी अच्छी लगी, सब देखने वाले इसका रिव्यू करते हैं, सब बताते हैं कि मुझे कैसी फिल्म लगी, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो उनको दिए जाते हैं, इस फिल्म को दिए जाते हैं 4.4 स्टार्स 5 में से, यानी कि लगभग हर एक व्यक्ति ने 5 में से इसको 4.5 नंबर दिए हैं। 5 में से 4.5 नंबर देना काफी बड़ी बात है इस फिल्म के लिए, लगभग सभी लोगों को ये पसंद आई है, इसका मतलब ये है। और बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में बहुत कुछ लिखा भी है, अगर बात करें एक दो रिव्यू पढ़ने की तो वो भी हम कर लेते हैं। एक ने लिखा है, लव्ड द कंटेंट एंड लव्ड द एक्टिंग ऑफ द ऑल द एक्टर्स, अनिल कपूर एंड अरुणा ईरानी एंड बहुत सारी चीजें आगे लिखी हैं। तो इनका कहने का मतलब ये है कि हमें जो इसका अंदर का कंटेंट है, जो इसकी कहानी है, वो बहुत अच्छी लगी, और हमें जो एक्टिंग है वो काफी ज्यादा अच्छी लगी, एक्टर्स की अभिनय जो हमें बहुत अच्छा लगा, अभिनेताओं का, अनिल कपूर का और अरुणा ईरानी के लिए उन्होंने बहुत सारा प्यार लिखा है। साथ में उन्होंने आगे लिखा है, वेरी नाइस मूवी, लव द कंटेंट एंड लव द एक्टिंग ऑफ ऑल द एक्टर्स, सेम वही बातें उन्होंने दोबारा लिखी है, द म्यूजिक ऑफ धक धक करने लगा, इज कंपोज्ड बाय इलिया राजा इन तेलुगु, हाउ कैन द क्रेडिट गो टू आनंद मिलिंद। बस उनको ये थोड़ा सा यहाँ पर जिसको कहीं नाराजगी है कि जो धक धक करने लगा का जो कंपोजिशन है, जो म्यूजिक बनाया है, जो संगीत बनाया है, वो तेलुगु फिल्म के जो कंपोजर हैं या तेलुगु फिल्म के जो संगीतकार हैं उन्होंने बनाया है, तो फिर आनंद मिलिंद को ये कैसे जाता है इसका वो क्रेडिट। कुछ लोगों की अलग अलग रिव्यूज होते हैं तो उनमें से ये एक था। अगला पढ़ते हैं, तो अगले यूजर ने लिखा है, वेरी नाइस मूवी, लव द कंटेंट, सेम वही बातें, लव द एक्टिंग ऑफ ऑल एक्टर्स, अनिल कपूर एंड अरुणा ईरानी, यू आर टू गुड, यानी उन्होंने लिखा है कि बहुत अच्छी पिक्चर है, बहुत अच्छी फिल्म है, हमें इसका जो कहानी है वो पसंद आई और
सभी फिल्म जब भी सभी जो एक्टर्स की एक्टिंग है वो काफ़ी अच्छी है। तो ये सब यहाँ पर आपको मतलब बहुत सारे मैंने रिव्यूज़ आपको बताए हैं कि क्या क्या इसमें लोगों ने अपने रिव्यू लिखे हैं, वो सब मैंने आपको यहाँ पर बताया है। एक और रिव्यू पढ़ लेते हैं हम। बेटा इज ट्रीट फॉर माधुरी लवर्स, सी डोमिनेटेड अनिल कपूर डिस्पाइट द स्टोरी लाइन फेवर्ड अनिल्स कैरेक्टर, अरुणा ईरानी वॉज ब्रिलियंट एज यूजल, सॉन्ग्स वर गुड एंड ऑल पॉपुलर सॉन्ग्स वर इंस्पायर्ड फ्रॉम अदर। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि जो बेटा फिल्म है उसको मतलब ऐसे ट्रीट किया जाना चाहिए कि जैसे कि वो माधुरी दीक्षित उसमें हावी रही हो एक्टिंग में, या ऐसे कह सकते हैं कि जो माधुरी दीक्षित है उनका जो रोल है वो काफी ज्यादा कह सकते हैं दमदार रहा था अनिल कपूर के रोल के ऊपर, इनको ऐसा लगता है। और अनिल कपूर जबकि अनिल कपूर का जो कैरेक्टर है उसको लिखा गया था इस कहानी में और उसको बनाया गया था कि हाँ वो दमदार लगे, लेकिन हुआ ऐसा नहीं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक और फिल्म की, बेटा, जो कि 1992 की हिंदी भाषा की भारतीय फिल्म है। इसको डायरेक्ट किया गया था इंद्र कुमार द्वारा और इसको लिखा गया था नौशीर खटाऊ द्वारा, और कमलेश पांडे ने भी इसमें थोड़ा बहुत हाथ जो है वो बटाया था इसको के लिखने में। इस फिल्म में जो हीरो की भूमिका में है या जो लीड रोल में है वो है अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित और अरुणा ईरानी, इन्होंने यहाँ पर मुख्य भूमिका निभाई है। अगर बात करें इसके पटकथा लिखने की, तो इस फिल्म की जो पटकथा है वो लिखी गई है ज्ञानदेव अग्निहोत्री, राजीव कौल और प्रफुल्ल पारेख ने। ये तीन आदमियों ने इस फिल्म का जो स्क्रीन प्ले है, ये कह सकते हैं कि जो एक एक लाइन डायलॉग बाय डायलॉग जो भी एक एक कैरेक्टर ने जो भी एक एक अभिनेता ने बोला है वो सब कुछ इन्होंने पहले लिखा था, क्योंकि हर फिल्म से पहले ये लिखा जाता है कि किस सीन में कौन सा हीरो कौन सा कैरेक्टर कौन सा अभिनेता क्या बोलने वाला है, तो वो सब चीजें लिखी जाती हैं। शब्द एक एक शब्द जो है वो लिखा जाता है, उसका डायलॉग्स लिखे जाते हैं। तो वो सब जो लिखा गया था वो ज्ञानदेव अग्निहोत्री राजीव कौल और प्रफुल्ल पारेख ने लिखा था। इस फिल्म की जो स्टोरी है वो लिखी थी के भाग्यराज ने, और इस फिल्म का जो निर्माण है यानी कि इसमें जो पैसा लगाया था वो लगाया था इंद्र कुमार और अशोक ठाकेरिया ने। जैसा कि हमने बात की है, इस फिल्म में जो स्टार्स हैं जो मुख्य भूमिका निभा रहे हैं वो अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित हैं और अरुणा ईरानी भी है, लेकिन इन्हीं के साथ में दो और आप मान लीजिए अभिनेता हैं जो कि इस फिल्म में लगभग लगभग पूरी तरीके से तो नहीं कह सकते लेकिन मुख्य भूमिका में ही हैं, उनके बिना तो ये फिल्म नहीं बन सकती थी, लक्ष्मीकांत बर्दे और अनुपम खेर। अगर बात करें इस फिल्म के फोटोग्राफी की, यानी कि इसमें जो है कैमरा किसने चलाया है, तो वो है बाबा आजमी ने, और इस फिल्म का जो एडिशन है यानी कि जो वीडियो बन गई, जो कैमरे से वीडियोस बनाई गई, जो कैमरे से रिकॉर्डिंग की गई, उस रिकॉर्डिंग को बाद में एडिट कर कर एक फिल्म का अवतार देना, वो सब जो काम किया है वो किया है हुसैन एव बुरमावाला ने। और इस फिल्म में जो म्यूजिक है यानी कि जो ताल बनाई गई हैं ढोलक की और हारमोनियम की और जितने भी और ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट होते हैं जितने भी उपकरण होते हैं, तो वो किया गया है आनंद मिलिंद द्वारा, आनंद मिलिंद नाम है उनका। और इस फिल्म की जो प्रोडक्शन कंपनी है यानी कि किस कंपनी ने इसमें पैसा लगाया है, एक तो आदमी होता है जो कि इसमें पैसा लगाता है, साथ ही साथ एक कंपनी भी होती है, कुछ स्पॉन्सर्स करते हैं, मतलब एक आदमी तो मिलकर अकेला पैसा नहीं लगा सकता ना, तो कुछ कुछ अलग अलग जगहों पर जो है क्योंकि एक कॉम्बिनेशन बनता है, जैसे आप कह सकते हैं कि एक तो मालिक होता है उसका जो कि सारा पैसा लगाता है, अगर कुछ भी खर्चा होता है तो वो लगाता है, लेकिन कुछ जगहों पर जैसे कि ड्रेस का काम है या फिर गाड़ियों का काम है उसमें मान लीजिए कोई कंपनी आ जाएगी जो कि पैसा लगाएगी, तो
तो इस तरीके से मारुति इंटरनेशनल ने भी इसमें पैसा लगाया था। और इस फिल्म की जो रिलीज डेट थी वो थी 3 अप्रैल 1992। इस फिल्म का जो रनिंग टाइम था यानी कि कितनी देर तक ये फिल्म चलेगी, कितनी देर की ये फिल्म थी, तो वो थी 172 मिनट। यानी कि अगर बात करें तो 3 घंटे से सिर्फ 8 मिनट कम, 2 घंटे 52 मिनट की ये फिल्म थी। काफ़ी बड़ी फिल्म थी लेकिन पता ही नहीं चलता था ना, क्योंकि फिल्म इतनी मज़ेदार हुआ करती थी, फिल्मों में इतने गाने हुआ करते थे, सब कुछ इतना मज़ेदार था। अब की फिल्में शुरू होती हैं तो लगता है कि यार ये कब ख़त्म होगी, लेकिन पहले की फिल्में शुरू होते ही ख़त्म हो जाया करती थी, पता ही नहीं चलता था। तो यही फ़र्क है दोनों में। इस फिल्म का एक रीमेक भी बना था 1987 में, जो कि तमिल मूवी है, एक एनगा चिन्ना रासा। अब देखिए नाम तो मैं अगर सही ले रहा हूँ या नहीं ले रहा हूँ इस बात का तो मुझे नहीं पता है, लेकिन ये 1987 में बनी थी तमिल फिल्म में, तमिल लैंग्वेज में ये बनी थी, तमिल भाषा में ये बनी थी फिल्म। और इसका ऑफिशियल था, मतलब कि जो इसके प्रोड्यूसर्स थे, जो इसके राइटर्स थे, जो इसके लेखक थे, उन्होंने ही उसका जो बनाने की परमिशन थी, आज्ञा थी, वो दी थी तमिल प्रोड्यूसर्स को। और तमिल भाषा में ये फिल्म बनी थी, जिसका नाम रहा था, ये तमिल फिल्म की रीमेक, तमिल फिल्म जो बनी थी वो इसकी रीमेक नहीं थी। तो ये प्रथा चली आ रही है कि तमिल से कुछ जो फिल्में हैं वो उठाते हैं बॉलीवुड वाले और उसको बना डालते हैं अगर उनको अच्छी लगती है। और बात करें अगर बेटा की, तो इसने कितना जो है सक्सेस पाई थी बॉक्स ऑफिस पर, इसने कितना कलेक्शन किया था बॉक्स ऑफिस पर, इसने कितनी कमाई की थी, अगर इसकी बात करें तो ये सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बनी थी 1992 की। 1992 की ये सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। इस फिल्म ने 5 फिल्म फेयर अवार्ड्स जीते थे, 5 अवार्ड्स। कपूर यानी कि अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित ने जो है बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता था। अनिल कपूर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था माधुरी दीक्षित को। अनुराधा पौडवाल ने भी बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड यहां पर जीता था, क्योंकि उन्होंने इस फिल्म के गाने जो हैं वो गाए हैं, तो इसलिए उनको बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला था। और जिस गाने के लिए मिला था वो गाना था धक धक करने लगा। और सरोज खान ने फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट कोरियोग्राफी का अवार्ड जीता था, फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट कोरियोग्राफी, यानी कि जो डांस स्टेप्स होते हैं, जो नाचने का तरीका होता है, उसके लिए जो अवार्ड मिला था वो सरोज खान ने जीता था। और बेस्ट प्लेबैक फीमेल सिंगर का मीनिंग है कि जो गाना गाया था, जो गायिका हैं उनका बेस्ट गायिका या सबसे अच्छी गायिका का जो अवार्ड है वो अनुराधा पौडवाल को मिला था। ऐसे ही जो ईरानी हैं उन्होंने इसमें इस फिल्म के से एक अवार्ड जीता था, जिसको कहते हैं बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस, यानी कि सहायक भूमिका में जो अभिनेती अभिनेत्री रही थी उसका अवार्ड इन्होंने जीता था। बात करें इस फिल्म की कहानी की, तो राजू जो कि अनिल कपूर यहाँ पर निभा रहे हैं किरदार, राजू एक बेटा है बड़े से लैंडलॉर्ड का, या जिसको कहें जमींदार का बेटा है, बड़े जमींदार का बेटा है, जिसका नाम है प्रेम। और प्रेम का यहाँ पर किरदार निभाया है आकाश खुराना ने। राजू की जो माँ है वो बचपन में ही मर जाती है जब उसका जन्म हुआ होता है, और राजू को बहुत इस चीज का दुख रहता है। जब राजू का 5वां जन्मदिन होता है, प्रेम ने वादा किया था कि 5वें जन्मदिन पर उसको एक नई माँ मिलेगी, यानी कि वो शादी करने वाला होता है, और वो ये उम्मीद करता है कि वो उसका ख्याल रखेगी, राजू का जो है वो ख्याल रखेगी। लेकिन लक्ष्मी जो कि नई माँ बनकर आती है राजू की, वो थोड़ी सी लालची हो जाती है और वो उसका ख्याल इतना नहीं रखती।
वो सिर्फ और सिर्फ पैसे के पीछे, प्रॉपर्टी के पीछे भागती है जो कि उस राजू के बाप की होती है, यानी कि प्रेम की। अगर बात करें इस फिल्म की रेटिंग्स की, तो इस फिल्म की जो रेटिंग है वो 6.3 रही थी 10 में से, जो कि अब रेटिंग दी जाती है नए जमाने में, तो उस हिसाब से ये फिल्म काफी नई फिल्मों के मुकाबले बहुत ही अच्छी है, बहुत ही ज्यादा अच्छी है। यानी कि 10 में से 6.3 स्टार मिलना काफी बड़ी बात होती है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस फिल्म को 5 में से 3.3 स्टार दिए थे, यानी कि 5 में से 3.3 अंक इसको प्राप्त हुए थे। अगर बात करें इसकी ऑडियंस रेटिंग की, या फिर जो अब जैसे क्योंकि ये ऑनलाइन का जमाना है, तो ऑनलाइन में सबको रेटिंग दी जाती है, सब फिल्मों को जो है ये बताया जाता है कि ये मुझे कितनी अच्छी लगी, सब देखने वाले इसका रिव्यू करते हैं, सब बताते हैं कि मुझे कैसी फिल्म लगी। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो उनको दिए जाते हैं, इस फिल्म को दिए जाते हैं 4.4 स्टार्स 5 में से, यानी कि लगभग हर एक व्यक्ति ने 5 में से इसको 4.5 नंबर दिए हैं। 5 में से 4.5 नंबर देना काफी बड़ी बात है इस फिल्म के लिए। लगभग सभी लोगों को ये पसंद आई है, इसका मतलब ये है। और बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में बहुत कुछ लिखा भी है। अगर बात करें एक दो रिव्यू पढ़ने की, तो वो भी हम कर लेते हैं। एक ने लिखा है, लव द कंटेंट एंड लव द एक्टिंग ऑफ द ऑल द एक्टर्स, अनिल कपूर एंड अरुणा ईरानी एंड बहुत सारी चीजें आगे लिखी हैं। तो इनका कहने का मतलब ये है कि हमें जो इसका अंदर का कंटेंट है, जो इसकी कहानी है, वो बहुत अच्छी लगी, और हमें जो एक्टिंग है वो काफी ज्यादा अच्छी लगी, एक्टर्स की अभिनय जो हमें बहुत अच्छा लगा, अभिनेताओं का, अनिल कपूर का और अरुणा ईरानी के लिए उन्होंने बहुत सारा प्यार लिखा है। साथ में उन्होंने आगे लिखा है, वेरी नाइस मूवी, लव द कंटेंट एंड लव द एक्टिंग ऑफ ऑल द एक्टर्स। सेम वही बातें उन्होंने दोबारा लिखी है, द म्यूजिक ऑफ धक धक करने लगा, इज कंपोज्ड बाय इलिया राजा इन तेलुगु, हाउ कैन द क्रेडिट गो टू आनंद मिलिंद। बस उनको ये थोड़ा सा यहाँ पर जिसको कहें नाराजगी है कि जो धक धक करने लगा का जो कंपोजिशन है, जो म्यूजिक बनाया है, जो संगीत बनाया है, वो तेलुगु फिल्म के जो कंपोजर हैं या तेलुगु फिल्म के जो संगीतकार हैं उन्होंने बनाया है, तो फिर आनंद मिलिंद को ये कैसे जाता है इसका वो क्रेडिट। कुछ लोगों की अलग अलग रिव्यूज होते हैं, तो उनमें से ये एक था। अगला पढ़ते हैं। तो अगले फिल्म, अगले यूजर ने लिखा है, वेरी नाइस मूवी, लव द कंटेंट, सेम वही बातें, लव द एक्टिंग ऑफ ऑल एक्टर्स, अनिल कपूर एंड अरुणा ईरानी, यू आर टू गुड। यानी उन्होंने लिखा है कि बहुत अच्छी पिक्चर है, बहुत अच्छी फिल्म है, हमें इसका जो कहानी है वो पसंद आई, और सभी फिल्म जब सभी जो एक्टर्स की एक्टिंग है वो काफी अच्छी है। तो ये सब यहाँ पर आपको मतलब बहुत सारे मैंने रिव्यूज आपको बताए हैं कि क्या क्या इसमें लोगों ने अपने रिव्यू लिखे हैं, वो सब मैंने आपको यहाँ पर बताया है। एक और रिव्यू पढ़ लेते हैं हम। बेटा इज ट्रीट फॉर माधुरी लवर्स, सी डोमिनेटेड अनिल कपूर डिस्पाइट द स्टोरी लाइन, फेवर्ड अनिल्स कैरेक्टर, अरुणा ईरानी वॉज ब्रिलियंट एज यूजल, songs were good and all popular songs were inspired from other। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि जो बेटा फिल्म है उसको मतलब ऐसे ट्रीट किया जाना चाहिए कि जैसे कि वो माधुरी दीक्षित उसमें हावी रही हो एक्टिंग में, या ऐसे कह सकते हैं कि जो माधुरी दीक्षित है उनका जो रोल है वो काफी ज्यादा कह सकते हैं दमदार रहा था अनिल कपूर के रोल के ऊपर, इनको ऐसा लगता है। और अनिल कपूर, जबकि अनिल कपूर का जो कैरेक्टर है उसको लिखा गया था इस कहानी में और उसको बनाया गया था कि हाँ वो दमदार लगे, लेकिन हुआ ऐसा नहीं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक और फिल्म की, बेटा।
जो कि 1992 की हिंदी भाषा की भारतीय फिल्म है। इसको डायरेक्ट किया गया था इंद्र कुमार द्वारा और इसको लिखा गया था नौशीर खटाऊ द्वारा, और कमलेश पांडे ने भी इसमें थोड़ा बहुत हाथ जो है वो बटाया था इसको के लिखने में। इस फिल्म में जो हीरो की भूमिका में है, जो लीड रोल में है, वो है अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित और अरुणा ईरानी। इन्होंने यहाँ पर मुख्य भूमिका निभाई है। अगर बात करें इसके पटकथा लिखने की, तो इस फिल्म की जो पटकथा है वो लिखी गई है ज्ञानदेव, अग्निहोत्री, राजीव कौल और प्रफुल्ल पारेख ने। ये तीन आदमियों ने इस फिल्म का जो स्क्रीन प्ले है, ये कह सकते हैं कि जो एक एक लाइन, डायलॉग बाय डायलॉग, जो भी एक एक कैरेक्टर ने, जो भी एक एक अभिनेता ने बोला है, वो सब कुछ इन्होंने पहले लिखा था। क्योंकि हर फिल्म से पहले ये लिखा जाता है कि किस सीन में कौन सा हीरो, कौन सा कैरेक्टर, कौन सा अभिनेता क्या बोलने वाला है, तो वो सब चीजें लिखी जाती हैं। शब्द, एक एक शब्द जो है वो लिखा जाता है, उसका डायलॉग्स लिखे जाते हैं। तो वो सब जो लिखा गया था वो ज्ञानदेव, अग्निहोत्री, राजीव कौल और प्रफुल्ल पारेख ने लिखा था। इस फिल्म की जो स्टोरी है वो लिखी थी के भाग्यराज ने, और इस फिल्म का जो निर्माण है, यानी कि इसमें जो पैसा लगाया था, वो लगाया था इंद्र कुमार और अशोक ठाकेरिया ने। जैसा कि हमने बात की है, इस फिल्म में जो स्टार्स हैं, जो मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, वो अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित हैं और अरुणा ईरानी भी है। लेकिन इन्हीं के साथ में दो और आप मान लीजिए अभिनेता हैं, जो कि इस फिल्म में लगभग लगभग पूरी तरीके से तो नहीं कह सकते, लेकिन मुख्य भूमिका में ही है। उनके बिना तो ये फिल्म नहीं बन सकती थी, लक्ष्मीकांत बर्दे और अनुपम खेर। अगर बात करें इस फिल्म के फोटोग्राफी की, यानी कि इसमें जो है कैमरा किसने चलाया है, तो वो है बाबा आजमी ने। और इस फिल्म का जो एडिशन है, यानी कि जो वीडियो बन गई, जो कैमरे से वीडियोस बनाई गई, जो कैमरा से रिकॉर्डिंग की गई, उस रिकॉर्डिंग को बाद में एडिट कर कर एक फिल्म का अवतार देना, वो सब जो काम किया है वो किया है हुसैन ए बुरमावाला ने। और इस फिल्म में जो म्यूजिक है, यानी कि जो ताल बनाई गई है ढोलक की और हारमोनियम की और जितने भी और ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जितने भी उपकरण होते हैं, तो वो किया गया है आनंद मिलिंद द्वारा। आनंद मिलिंद नाम है उनका। और इस फिल्म की जो प्रोडक्शन कंपनी है, यानी कि किस कंपनी ने इसमें पैसा लगाया है, एक तो आदमी होता है जो कि इसमें पैसा लगाता है, साथ ही साथ एक कंपनी भी होती है, कुछ स्पॉन्सर्स करते हैं। मतलब एक आदमी तो मिलकर अकेला पैसा नहीं लगा सकता ना, तो कुछ कुछ अलग अलग जगहों पर जो है, क्योंकि एक कॉम्बिनेशन बनता है, जैसे आप कह सकते हैं कि एक तो मालिक होता है उसका, जो कि सारा पैसा लगाता है, अगर कुछ भी खर्चा होता है तो वो लगाता है, लेकिन कुछ जगहों पर जैसे कि ड्रेस का काम है या फिर गाड़ियों का काम है, उसमें मान लीजिए कोई कंपनी आ जाएगी जो कि पैसा लगाएगी। तो इस तरीके से मारुति इंटरनेशनल ने भी इसमें पैसा लगाया था। और इस फिल्म की जो रिलीज डेट थी वो थी 3 अप्रैल 1992। इस फिल्म का जो रनिंग टाइम था, यानी कि कितनी देर तक ये फिल्म चलेगी, कितनी देर की ये फिल्म थी, तो वो थी 172 मिनट। यानी कि अगर बात करें तो 3 घंटे से सिर्फ 8 मिनट कम, 2 घंटे 52 मिनट की ये फिल्म थी। काफी बड़ी फिल्म थी, लेकिन पता ही नहीं चलता था ना, क्योंकि फिल्म इतनी मजेदार हुआ करती थी, फिल्मों में इतने गाने हुआ करते थे, सब कुछ इतना मजेदार था। अब की फिल्में शुरू होती हैं तो लगता है कि यार ये कब खत्म होगी, लेकिन पहले की फिल्में शुरू होते ही खत्म हो जाया करती थी, पता ही नहीं चलता था। तो यही फर्क है दोनों में। इस फिल्म का एक रीमेक भी बना था 1987 में, जो कि तमिल मूवी है, एक एनगा चिन्ना रासा। अब देखिए नाम तो मैं अगर सही ले रहा हूँ या नहीं ले रहा हूँ इस बात का तो मुझे नहीं पता है, लेकिन ये 1987 में बनी थी तमिल फिल्म में, तमिल लैंग्वेज में ये बनी थी, तमिल भाषा में ये बनी थी फिल्म। और इसका ऑफिशियल था, मतलब कि जो इसके प्रोड्यूसर्स थे, जो इसके राइटर्स थे, जो इसके लेखक थे, उन्होंने ही उसका जो बनाने की परमिशन थी, आज्ञा थी, वो दी थी तमिल प्रोड्यूसर्स को। और तमिल भाषा में ये फिल्म बनी थी, जिसका नाम रहा था, ये तमिल फिल्म की रीमेक थी, तमिल फिल्म जो बनी थी वो इसकी रीमेक नहीं थी।
तो ये प्रथा चली आ रही है कि तमिल से कुछ जो फिल्में हैं वो उठाते हैं बॉलीवुड वाले और उसको बना डालते हैं अगर उनको अच्छी लगती है। और बात करें अगर बेटा की, तो इसने कितना जो है सक्सेस पाई थी बॉक्स ऑफिस पर, इसने कितना कलेक्शन किया था बॉक्स ऑफिस पर, इसने कितनी कमाई की थी अगर इसकी बात करें तो ये सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बनी थी 1992 की। 1992 की ये सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। इस फिल्म ने 5 फिल्मफेयर अवार्ड्स जीते थे, 5 अवार्ड्स। कपूर यानी कि अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित ने जो है बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता था। अनिल कपूर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था माधुरी दीक्षित को। अनुराधा पौडवाल ने भी बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड यहां पर जीता था, क्योंकि उन्होंने इस फिल्म के गाने जो हैं वो गाए हैं, तो इसलिए उनको बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला था। और जिस गाने के लिए मिला था वो गाना था धक धक करने लगा। और सरोज खान ने फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट कोरियोग्राफी का अवार्ड जीता था। फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट कोरियोग्राफी यानी कि जो डांस स्टेप्स होते हैं, जो नाचने का तरीका होता है, उसके लिए जो अवार्ड मिला था वो सरोज खान ने जीता था। और बेस्ट प्लेबैक फीमेल सिंगर का मीनिंग है कि जो गाना गाया था, जो गायिका है उनका बेस्ट गायिका या सबसे अच्छी गायिका का जो अवार्ड है वो अनुराधा पौडवाल को मिला था। ऐसे ही जो ईरानी है उन्होंने इसमें इस फिल्म के से एक अवार्ड जीता था जिसको कहते हैं बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस, यानी कि सहायक भूमिका में जो अभिनेती अभिनेत्री रही थी उसका अवार्ड इन्होंने जीता था। बात करें इस फिल्म की कहानी की, तो राजू जो कि अनिल कपूर यहाँ पर निभा रहे हैं किरदार, राजू एक बेटा है बड़े से लैंडलॉर्ड का, या जिसको कहें जमींदार का बेटा है, बड़े जमींदार का बेटा है, इसका नाम है प्रेम। और प्रेम का यहाँ पर किरदार निभाया है आकाश खुराना ने। राजू की जो माँ है वो बचपन में ही मर जाती है जब उसका जन्म हुआ होता है, और राजू को बहुत इस चीज का दुख रहता है। जब राजू का 5वां जन्मदिन होता है, प्रेम ने वादा किया था कि 5वें जन्मदिन पर उसको एक नई माँ मिलेगी, यानी कि वो शादी करने वाला होता है, और वो ये उम्मीद करता है कि वो उसका ख्याल रखेगी, राजू का जो है वो ख्याल रखेगी। लेकिन लक्ष्मी जो कि नई माँ बनकर आती है राजू की, वो थोड़ी सी लालची हो जाती है और वो उसका ख्याल इतना नहीं रखती। वो सिर्फ और सिर्फ पैसे के पीछे, प्रॉपर्टी के पीछे भागती है जो कि उस राजू के बाप की होती है, यानी कि प्रेम की। अगर बात करें इस फिल्म की रेटिंग्स की, तो इस फिल्म की जो रेटिंग है वो 6.3 रही थी 10 में से, जो कि अब रेटिंग दी जाती है नए जमाने में, तो उस हिसाब से ये फिल्म काफी नई फिल्मों के मुकाबले बहुत ही अच्छी, बहुत ही ज्यादा अच्छी है। यानी कि 10 में से 6.3 स्टार मिलना काफी बड़ी बात होती है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस फिल्म को 5 में से 3.3 स्टार दिए थे, यानी कि 5 में से 3.3 अंक इसको प्राप्त हुए थे। अगर बात करें इसकी ऑडियंस रेटिंग की, या फिर जो अब जैसे क्योंकि ये ऑनलाइन का जमाना है तो ऑनलाइन में सबको रेटिंग दी जाती है, सब फिल्मों को जो है ये बताया जाता है कि ये मुझे कितनी अच्छी लगी, सब देखने वाले इसका रिव्यू करते हैं, सब बताते हैं कि मुझे कैसी फिल्म लगी। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो उनको दिए जाते हैं, इस फिल्म को दिए जाते हैं 4.4 स्टार्स 5 में से, यानी कि लगभग हर एक व्यक्ति ने 5 में से इसको 4.5 नंबर दिए हैं। 5 में से 4.5 नंबर देना काफी बड़ी बात है,
इस फिल्म के लिए लगभग सभी लोगों को ये पसंद आई है, इसका मतलब ये है। और बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में बहुत कुछ लिखा भी है। अगर बात करें एक दो रिव्यू पढ़ने की तो वो भी हम कर लेते हैं। एक ने लिखा है, लव्ड द कंटेंट एंड लव्ड द एक्टिंग ऑफ द ऑल द एक्टर्स अनिल कपूर एंड अरुणा ईरानी एंड बहुत सारी चीज़ें आगे लिखी हैं। तो इनका कहने का मतलब ये है कि हमें जो इसका अंदर का कंटेंट है, जो इसकी कहानी है, वो बहुत अच्छी लगी, और हमें जो एक्टिंग है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, एक्टर्स की अभिनय जो हमें बहुत अच्छा लगा, अभिनेताओं का, अनिल कपूर का और अरुणा ईरानी के लिए उन्होंने बहुत सारा प्यार लिखा है। साथ में उन्होंने आगे लिखा है, वेरी नाइस मूवी, लव द कंटेंट एंड लव द एक्टिंग ऑफ ऑल द एक्टर्स। सेम वही बातें उन्होंने दोबारा लिखी है, द म्यूजिक ऑफ धक धक करने लगा, इज कंपोज्ड बाय इलिया राजा इन तेलुगु, हाउ कैन द क्रेडिट गो टू आनंद मिलिंद। बस उनको ये थोड़ा सा यहाँ पर जिसको कहे नाराजगी है कि जो धक धक करने लगा का जो कंपोजिशन है, जो म्यूजिक बनाया है, जो संगीत बनाया है, वो तेलुगु फिल्म के जो कंपोजर हैं या तेलुगु फिल्म के जो संगीतकार हैं उन्होंने बनाया है, तो फिर आनंद मिलिंद को ये कैसे जाता है इसका वो क्रेडिट। कुछ लोगों की अलग अलग रिव्यूज होते हैं तो उनमें से एक था। अगला पढ़ते हैं तो अगले यूजर ने लिखा है, वेरी नाइस मूवी, लव द कंटेंट, सेम वही बातें, लव द एक्टिंग ऑफ ऑल एक्टर्स अनिल कपूर एंड अरुणा ईरानी, यू आर टू गुड। यानी उन्होंने लिखा है कि बहुत अच्छी पिक्चर है, बहुत अच्छी फिल्म है, हमें इसका जो कहानी है वो पसंद आई और सभी जो एक्टर्स की एक्टिंग है वो काफ़ी अच्छी है। तो ये सब यहाँ पर आपको मतलब बहुत सारे मैंने रिव्यूज़ आपको बताए हैं कि क्या क्या इसमें लोगों ने अपने रिव्यू लिखे हैं, वो सब मैंने आपको यहाँ पर बताया है। एक और रिव्यू पढ़ लेते हैं हम।